राइट, ये हम कल डिस्कस भी कर रहे थे इनफैक्ट फार्मा स्पेस पे। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एफएमसीजी स्पेस को लेकर क्या व्यू बन रहा है आपका? कल एक के बाद एक जिस तरह से कमेंट आ रहे थे, डाबर के आए, ब्रिटानिया के कौन कॉल किया है, महंगाई को एक बड़ा कंसर्न बता रहे हैं, मार्जिन में सबके प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो एक कमेंट्री को आपने कैसे वॉच किया और आगे किस तरह की चाल रह सकती है एफएमसीजी कंपनियों की? देखिए, अब एफएमसीजी स्टॉक्स के कुछ ग्राफ्स देखते हैं। ब्रिटानिया का 2 महीने का ग्राफ, एचयूएल का 2 महीने का ग्राफ, एशियन पेंट्स का 2 महीने का ग्राफ, या फिर डाबर का 6-8 हफ्तों का ग्राफ, ये देखते हैं फिर हम बात करते हैं। तो देखिए, ब्रिटानिया का जो शेयर था पिछले 1 महीने के अंदर या पिछले 2 महीने के अंदर, प्रोड्यूसर साहब फायर करें प्लीज, ये कल का इंट्राडे ग्राफ लग रहा है। तो जी हाँ, ये तो कल का इंट्राडे ग्राफ है, आज थोड़ा समय लग रहा है, माफी चाहूंगा, हमारे प्रोड्यूसर साहब आज थोड़ा ब्रिटानिया सुस्त है या फिर आज ब्रिटानिया के बिस्किट के साथ चाय पिलानी पड़ेगी लग रहा है। जी हाँ, तभी नींद घटेगी। देखिए जी, 1 महीने के अंदर ब्रिटानिया का जो स्टॉक है फ्लैट है, नेस्ले का जो शेयर है वह भी फ्लैट है, एशियन पेंट्स का जो शेयर है उसके अंदर हम देख चुके हैं कि एडजस्टमेंट हो चुका है। तो पे पॉइंट में यहाँ पर ब्रिटानिया पे भी हम अटक गए हैं, एशियन पेंट्स आप देखिए। तो इन स्टॉक्स के अंदर, इस पूरे मार्केट के अंदर कोई बहुत रुख नहीं है। अच्छा, मार्केट में 10-11% की आपके आपको गिरावटों का उछाल देखने को मिला है, उसके बावजूद एफएमसीजी के अंदर कोई खास मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। यह शेयर महंगे हैं, इन शेयर्स के अंदर अभी वॉल्यूम कंसर्न्स रहेंगी, दे शुड बी पार्ट ऑफ 3+ पोर्टफोलियो, बट दे शुड नॉट बी पार्ट ऑफ योर 3-month पोर्टफोलियो। राइट, निकुंज आपको जाने दें, हम इससे पहले आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है। आप पीएसयू बैंक्स और मिट्टी बैंक्स पे आप नजर रखे हैं 3-4 दिन से, आज आरबीआई पॉलिसी भी है, अगर बहुत ज्यादा हॉकिश टाइप की कॉमेंट्री नहीं आती, बहुत डराने वाली, थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड आती है, तो क्या वहां पे एक ट्रेडिंग बाउंस का केस बन रहा है पीएसयू बैंक में यहां से भी या मिट्टी बैंक्स में यहां से भी? देखिए जी, शक्तिकांत दास को जो हमने देखा, हमने समझा, वो एक ग्रोथ ओरिएंटेड आरबीआई गवर्नर है। कोविड में उन्होंने इन्फ्लेशन को इग्नोर करा और ग्रोथ को प्रायोरिटाइज करा। आज उनके पास मौका है बोलने के लिए कि भी कमोडिटी को लेकर के जो हमने बोला था ऐसा हो रहा है, हमने बोला था आज आरबीआई गवर्नर, तो आज उनको एक मौका मिल रहा है और आई थिंक उस मौके का वो फायदा जरूर उठाए। मैंने तो बोला ही था ठीक है। दूसरा, एक बात बहुत अच्छी तरह से और मेरे हिसाब से प्रकट होकर के आ रही है कि ग्लोबल इन्फ्लेशन का रुख अलग है, इंडिया के इन्फ्लेशन का रुख अलग है। Correct. तो जो यूके के सेंट्रल बैंकर ने जो कल करा है, हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंकर को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ग्रोथ की रिकवरी की हम बात कर रहे हैं, वहां पर रिसेशन की बात कर रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज ऑल ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स आर एक्टिंग, जरूरी नहीं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक्ट करेगा। 70% रेट हाइक हो चुकी है, 30 बिप्स और 70 बिप्स से रेट हाइक हो चुकी है, 30 बिप्स और हो सकती है, मगर मुझे लगता है कि अंडरलाइन कॉमेंट्री जो रहेगी वह आज बुलिश रहेगी। बिल्कुल, तो बुलिश कमेंट्री रहेगी और उस पर नजर भी रहेगी कि किस तरह की, और वैसे उसी पर बाजार बहुत हद तक आई करके बैठा हुआ भी है। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज जी सारे सवालों के जवाब देने के लिए और ये सारे इनसाइट्स व्यूअर के साथ एक बार फिर। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगी निकुंज जी, आज आरबीआई गवर्नर साहब का मौका है वो यूज करने का बाजार का टर्म, मैंने तो बोला ही था। राइट, चलिए ठीक है। तो चलिए, हमारे पैनलिस्ट भी आ गए हैं जो ट्रेड करने के लिए हमें आइडियाज देंगे। ये सारे फैक्टर्स हमने टेबल पर रख दिए, ग्लोबल, लोकल, डोमेस्टिक। हमारे साथ संतोष मीना है, खुश बोरा है और हमारे साथ गौरव रत्नापारखी भी है जो अपनी पारखी नजर से या ऐसे बाजार में बढ़िया ट्रेड निकाल के देंगे। वैशाली भी रेडी हो रही है, बिल्कुल वैशाली भी हमारे साथ है। गौरव, आपके साथ शुरुआत करते हैं, आपकी पारखी नजर बताइए, यहाँ पे किस तरह के ट्रेडिंग आइडियाज आपको नजर आ रहे हैं इस बाजार में? हमने एक चार्ट दिया था चैनल्स का, 15-200 वाला चैनल पहले कुछ दिन समय बिताया, फिर 16-400 में समय बिताया, आगे बढ़ा, अभी 17-200 समय बिता रहे हैं चैनल में, क्या 18,000 की तैयारी पक्की है? जी बिल्कुल, आपने जैसे चैनल स्टडी दिखाया है, काफी हद तक निफ्टी रिसेंटली चैनल्स के अंदर ट्रेड कर रहा है
और अगर हम देखें तो साथ में फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी देखें तो वो भी काफी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। फिलहाल हम देखें तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को टेस्ट कर चुके हैं। निफ्टी के केस में अगर हम देखते हैं तो अप्रैल से जून तक का जो डिक्लाइन था उसका 78.6% रिट्रेसमेंट है करीब 17,500 का, वहीं पे निफ्टी जाके रुका हुआ है। कल वहां पे टेस्ट किया और वहीं से हमने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग आई थी निफ्टी के अंदर। सेकेंड हाफ में जो है वो रिकवरी तो आई थी, बट फिर भी एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे निफ्टी ने बेरिश आउटसाइड बार बनाया, साथ ही साथ हैंगिंग मैन कैंडल बनाया जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। सो कहीं ना कहीं 17,500 क्रूशियल रेजिस्टेंस है। जब तक 17,500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी नहीं निकल जाता है तब तक एक साइडवेज टू बेरिश अंडरटोन रह सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, और जिसके चलते निफ्टी एक बार 17,000 के लेवल्स को भी टेस्ट कर सकता है। सो 17,500 के ऊपर काफी हद तक ध्यान देना जरूरी होगा, और जब तक वो क्लोजिंग बेसिस पे नहीं निकलता है थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। सेम में अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी अपना एंटायर डिक्लाइन यानी कि अक्टूबर 2021 से लेकर जून 2022 का रिट्रेसमेंट जो है उसके 61.8% रिट्रेसमेंट पे ट्रेड कर रहा है और पिछले दो तीन दिनों से वहीं पे अटका हुआ है। सो 38,200 का क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी के अंदर। तो वहां पर हमने देखा है कि कल के सेशन में और अदर लास्ट तीन सेशन में अगर मिला के देखते हैं तो एक पॉपडाउन पैटर्न बना है जो कि इनसाइड बार आउटसाइड बार का कॉम्बिनेशन पैटर्न है, और ये पैटर्न जो है वो एक अच्छी रैली के बाद बना है जो कि दिखाता है कि ऊपर की तरफ थोड़ा एग्जॉशन हो रहा है। सो बैंक निफ्टी के अंदर 38,200 क्रूशियल लेवल रहेगा, जब तक वो क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस नहीं होता है तो मेरा मानना है बैंक निफ्टी में भी थोड़ा साइडवेज टू बेरिश अंडरटोन रह सकता है। अगर आज हमें 38,200 के लेवल्स में बैंक निफ्टी देखता है तो वहां पे फ्रेश सेलिंग आ सकती है और नीचे में बैंक निफ्टी 37,000 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो ये व्यू रहेगा गौरव का। संतोष और खुश भी हमारे साथ, मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। संतोष, आपसे समझना चाहेंगे आप कौन से डेटा पॉइंट्स को आज स्टडी करके अपना एनालिसिस हमसे शेयर करेंगे, क्या होगी आज की रेंज? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम भी कि जो 17,400 से 17,700 का जो एरिया है बुल्स के लिए थोड़ा सा स्लिपरी हो सकता है, बिकॉज जो 17,500 का लेवल है एक बहुत ही क्रिटिकल गैप है निफ्टी के लिए और कल वहीं से मार्केट में एक शार्प फॉल आया है। तो वैसे थोड़ा सा अभी भी कंफ्यूजन है क्योंकि लोअर लेवल से बाइंग भी उतनी ही तेजी से आ रही है क्योंकि एफआईएस की तरफ से बाइंग देखने को मिल रही है। तो फॉर टाइम बिंग 17,500 नहीं क्रॉस करता तो मार्केट में वापस से करेक्शन बढ़ेगा, लेकिन 17,500 क्रॉस किया तो फिर प्रोबेबिलिटी बनती है 17,675-700 तक जाने की। हालांकि 17,700 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा, तो मेरा यहाँ पे एक शॉर्ट की सलाह रहेगी, अगर 17,500 एक कंजर्वेटिव ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, तो जो थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं उसके लिए 17,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे पहला टारगेट 17,000 का रहेगा जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है निफ्टी के लिए, उसके नीचे मेरा जो फाइनल टारगेट आ रहा है 16,640 तक का आ रहा है, वो एक एरिया होगा जो बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी अगर मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आता है तो। बैंक निफ्टी भी अपने एक साइकोलॉजिकल लेवल 38,000 के आसपास पॉज ले रहा है लेकिन यहाँ भी लोअर लेवल से रिकवरी आ रही है, तो 38,300 के स्टॉप लॉस से कोई शॉर्ट लेना चाहे तो ले सकता है, लेकिन ऊपर में जो एक्चुअल टारगेट है 38,700 का है, तो जो थोड़ा सा पोजिशनल शॉर्ट लेना चाहते हैं तो उसका 38,700 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे हम 36,000 तक के लेवल भी देख सकते हैं, तो व्यू थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट फिर भी मेरा व्यू थोड़ा शॉर्ट साइड ज्यादा है। ओके, तो शॉर्ट साइड व्यू ज्यादा इस वक्त बन रहा है और एक रेंज आपको बता दी गई है जिसके बीच है बाजार आज कारोबार कर सकता है। कुछ गुड मॉर्निंग, अगर स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति की बात करें तो फिर आप कहां पर आज ट्रेड रिकमेंड करेंगे ट्रेडिंग के लिहाज से, कौन से स्टॉक्स आपको अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं? जी हाँ, गुड मॉर्निंग पूजा, सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक व्यू देने के पहले मैं जरा सा निफ्टी पे क्विक यू नो वर्ड देना चाहूंगा। 17,200 जो पहले अजय ने भी बताया थोड़ी देर पहले, प्रिसाइसली वही एक रेंज है जहां पे निफ्टी में हमने यू नो काफी अच्छा बाइंग आते हुए देखा है। फिलहाल इंट्राडे बेसिस पे द थीम रिमेन्स यू नो बाय द डिप, तो और वही जो हमने 17,000 का पुट बेस है वो इस एक्सपायरी के लिए, इस वीकली एक्सपायरी के लिए 17,300 पे शिफ्ट होते हुए देखा है, वही कॉल में 17,500 है, तो रेजिस्टेंस के थोड़ा पास चल रहे हैं लेकिन फिलहाल बाय द डिप वाला थीम मार्केट में चल रहा है। एफआईएस की जो कंटिन्यूस बाइंग फिगर आ रही है दिस कुड बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर। विक्स स्पाइक हुआ है बट दिस could be an event you know event driven rally in the VIX. अगर आज के इवेंट के बाद विक्स 20-22 के ऊपर जाता है, सस्टेन करता है, तब एक कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है, बट अप अंटिल देन इंडेसीज पे पोजिशनली आप बाय कर सकते हैं। हालांकि इंट्राडे अप अंटिल द इवेंट इज ओवर
फिलहाल होल्ड पोजीशन मेंटेन करे 17600 एंड 17200 का यू नो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन है ऑन द निफ्टी 37500 एंड 38200 ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन है ऑन द बैंक निफ्टी. एक क्विक वर्ड भी यही कहना चाहूंगा कि जो आज निकुंज बता रहे थे अबाउट यू नो बीइंग कॉशियस इन द मार्केट, यू नो मैं भी उस व्यू से कंकर करता हूं. इफ यू टॉक टू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिस्ट्स, not everyone shares the same enthusiasm you know on the markets right now. Bear market rally ki bhi baatein ho rahi hain, to uska saransh yahi hai ki leveraged position se is rally mein nikal jaiye aur quality stocks jo hai unme shift kar jaiye agar aapke portfolio mein bad quality stocks hain to. So you know don't read too much into that narrative right now, but just you know keep an eye out for that. Kya main mere stock specific pick सही कहा, लेकिन अगर आप बाजार में एक्ट कर रहे हैं तो इकोनॉमिस्ट को उनकी कमेंट्री सिर्फ एक हद तक ही कंज्यूम करिए, नहीं तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे कि बाजार इकोनॉमी और उसकी चाल जो है बहुत अलग अलग चलती है. बट एनीवेज वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बताइए ट्रेड्स अपने. जी हाँ अजय, देखिए इसीलिए मैंने कहा कि भाई उसका सारांश यही है कि आप लेवरेज पोजीशन से निकल जाइए और यू नो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में एंटर करिए पुअर क्वालिटी स्टॉक्स से निकल के, विच इज एनीवे प्रिंसिपल ऑफ यू नो साउंड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग राइट. तो यस आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज यू नो इवन विद द कंक्लूजन. अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो तीन पिक्स है मेरे, तीनों ही ऑन द बाय साइड है, विच इज KEI इंडस्ट्रीज. इस स्टॉक में हमने काफी अच्छा रनअप देखा है, मोमेंटम यू नो इसमें स्ट्रॉन्ग है, इंडिकेटर्स अभी भी इसकी अपटेक सजेस्ट कर रहे हैं और स्टॉक ने एक फ्रेश हाई बनाया है. ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है जिस तरीके का हम इंडिकेटर सेटअप देख रहे हैं, उसके चलते 1430 का यहाँ पे इमीडिएट टारगेट है, 1370 का आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं. जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज गो कलर्स, इस स्टॉक में भी हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी, इसने अपना एक रेजिस्टेंस है 1100 का वो क्रॉस किया है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, इंडिकेटर जरा से फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं बट इट इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव. मेरी यहां भी बाई की सलाह रहेगी 1150 के टारगेट से और 1105 का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं. जो मेरा तीसरा पिक है दैट इज एस्ट्रल, यहाँ पे भी हम अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं, स्टॉक अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहा है, जो इंडिकेटर्स हैं ये यहां से भी एक फ्रेश अपमूव का यू नो सजेशन दे रहे हैं. यहाँ पे जो हमने कॉल का बेस देखा है वो करीब 2000 के आसपास बन के आ रहा है, तो वहां तक तो लग रहा है कि स्टॉक यू नो आने वाले कुछ दिनों में एक अच्छा मूव दिखा सकता है टिल यू नो अप टिल 2000. सो ये मेरा एक इमीडिएट टारगेट रहेगा, यहाँ स्टॉप लॉस आप 1940 का लेके चल सकते हैं. वैशाली के पास जाते हैं. गुड मॉर्निंग वैशाली, आपको लंबा वेट कराया, मैं प्रियंका से कह रहा था वैशाली से स्टार्ट करना चाहिए लेडीज फर्स्ट, लेकिन गलती है हमारी. चलिए बताइए आप सबसे शानदार, आप बॉयज से बेटर और कड़क और ज्यादा कड़क ट्रेडिंग कॉल शेयर करिए. डेफिनेटली. सो पहले तो शुरुआत करते हैं निफ्टी, व्यू पॉजिटिव, 17,200 स्टॉप लॉस, उसके नीचे जाता है तो थोड़ी वीकनेस, तब तक कॉशियसली पॉजिटिव रहेगा. बैंक निफ्टी ऑल्सो कॉशियसली पॉजिटिव, 37,000 का स्टॉप लॉस ऑन एन इंट्राडे बेसिस और टारगेट रहेंगे 38,500. और स्टॉक की बात करें तो मेरा एक फ्रंटलाइन में है विप्रो. सो विप्रो इज अ पोजिशनल बाइंग ट्रेड, 410 का स्टॉप लॉस, फिलहाल 430 लेवल्स पे चल रहा है, 470 का ट्रेडिंग टारगेट रहेगा. और दूसरा मैंने मिड कैप में चूज किया है सोलर इंडस्ट्रीज, सो 2980 पे चल रहा है 2850 के स्टॉप लॉस के साथ, 3200 के टारगेट के लिए, इसमें वॉल्यूम भी अच्छा है एंड इट सीम्स इट्स अ न्यू राउंड ऑफ मोमेंटम. सो ये दो स्टॉक्स मैं आज के लिए चूज कर रही हूँ. ऑल राइट, तो दो ट्रेडिंग कॉल्स यहाँ वैशाली किया है, एक तो विप्रो, बिल्कुल हम देख भी रहे हैं आप तो आईटी स्टॉक्स में एक अच्छा खासा रीबाउंड है, नास्टैक ने भी कल ऊपर की क्लोजिंग दी. विप्रो, दूसरा है सोलर इंडस्ट्रीज, ये दो कॉल्स रहेंगी यहाँ पर वैशाली की. और अब आपकी पिक्स क्या होंगी वेरी क्विकली? जी मैंने दो सेल साइड और एक लॉन्ग साइड पे चुना है. सेल साइड पे फर्स्ट है क्रॉम्पटन. अगर हम देखें तो डेली चार्ट पे ये स्टॉक 400-405 के रेजिस्टेंस जोन बने हुए हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न बनाने की भी पॉसिबिलिटी है इस स्टॉक के अंदर. वीकली और डेली अपर बोलिंगर बैंड पे जाके रुका हुआ है. वीकली अपर बोलिंगर बैंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, वेर एज डेली अपर बोलिंगर बैंड फ्लैट हो चुका है. सो दोनों ही एज अ रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं. सो मेरा मानना है कि यह स्टॉक नीचे में डेली लोअर बोलिंगर बैंड तक आ सकता है. सो अगर इंट्राडे बाउंस आता है तो यहाँ पे बिकवाली कर सकते हैं क्रॉम्पटन फ्यूचर्स के अंदर. स्टॉप लॉस रहेगा 400 और नीचे में 370 और 360 के टारगेट्स रहेंगे. सेकेंड वन है MFSL, यहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी एक इंट्राडे बाउंस के ऊपर. बेसिकली हम देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में इसमें बाउंस जरूर हुआ है, पुलबैक जरूर हुआ है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो काफी सारा ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर है जो कि दिखाता है ये करेक्टिव राइज है
और यहाँ पे नेक्स्ट लेग ऑन द डाउनसाइड शुरू होने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी है. एक बेरिश वेज पैटर्न बना है जिसके लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है. सो ब्रेकडाउन जो है वो करीब आ रहा है इस स्टॉक के अंदर. डेली मोमेंटम इंडिकेटर ने ऑलरेडी सेल सिग्नल दे चुके हैं. सो MFSL फ्यूचर्स इंट्राडे बाउंस पे सेल कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 850. नीचे की तरफ 800 और 775 के टारगेट्स रहेंगे. और लॉन्ग साइड पे मैंने सिलेक्ट किया है डॉक्टर रेड्डीज को. बेसिकली जैसे कि हमने सुबह डिस्कस किया कि फार्मा के अंदर एक अच्छी रैली आ रही है और मेरा मानना है कि ये पुलबैक जो है वो आने वाले समय में कंटिन्यू हो सकता है. और डॉक्टर रेड्डीज की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले दो हफ्तों में काफी बड़ा करेक्शन हुआ था, लेकिन 4050-4100 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहां पे जाके सेलिंग प्रेशर एब्जॉर्ब हो रहा है. वहां पे एक ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बनी थी लास्ट टू लास्ट सेशन में जो दिखाती है कि नीचे के लेवल से बाइंग सपोर्ट आ रहा है. और एज अ फॉलो थ्रू स्टॉक कल ऊपर भी आया था और मेरा मानना है कि ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है. स्टॉक अपने डेली एवरेजेस तक आ सकता है. सो यहां पे बाय कर सकते हैं डॉक्टर रेड्डीज करंट लेवल पे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4040 और ऊपर की तरफ 4270 और 4380 के टारगेट्स रहेंगे. वैसे क्रॉम्पटन में एक खबर भी आई है कुछ वहां पे सेल, एक ऑफर फॉर सेल आ सकता है एक बड़े शेयर होल्डर से, तो इसको आप नजर रखिए. आज के त्रिमूर्ति शेयर का पार्ट भी है. टेमेस्ट से करीब 3% हिस्सेदारी अपनी बेचेगा तो इस पर प्रेशर भी रह सकता है एडिशनली सप्लाई कंसर्न की वजह से. लेकिन आगे चलते हैं, आज का बड़ा इवेंट है RBI पॉलिसी. जैसा निकुंज ने भूमिका मानते हुए कहा है कि रेट हाइक्स तो प्राइस्ड इन है, कॉमेंट्री पर नजर रखिए. और आप हमारे शक्तिकांत दास साहब को अगर आप पर्सनैलिटी से वाकिफ हैं तो ये आप जानते हैं वो ग्रोथ ओरिएंटेड ही हैं. अगर थोड़ी सी भी बाजार को पसंद आ गई इनकी कॉमेंट्री तो PSU बैंक्स में एक अच्छी चाल आ सकती है. लेकिन उससे पहले हमारे कॉलीग अंकुर मिश्रा के पास चलते हैं. वो इस समय RBI हेडक्वार्टर्स के आसपास मंडरा रहे हैं और वहां पूछ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं कि आज बाजार की क्या उम्मीदें. बताइए अंकुर, गुड मॉर्निंग. जी हम यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं जहाँ पर कुछ ही देर बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी. और जो इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कितनी रेपो रेट हाइक करते हैं. मैं कितनी रेपो रेट हाइक इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स को हमने पोल किया है उन्होंने यही बोला है कि इस बार रेपो रेट हाइक होने वाला है. और वो क्वांटम कितना होगा वो देखने वाली बात होगी कि वो 30 बेसिस पॉइंट होता है, 50 बेसिस पॉइंट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट थिंग होगी वॉच आउट करने के लिए. और साथ ही साथ ये भी देखना होगा क्या गवर्नर सरप्राइज करने वाले हैं कि क्या कोई रेट हाइक नहीं होगा, वो भी एक बोल्ड स्टेप हो सकती है. ये इस पर सबकी निगाहें रहेंगी. साथ ही साथ CRR हाइक को लेकर भी काफ़ी सवाल हैं कि क्योंकि पिछली बार CRR हाइक नहीं हुआ था लेकिन उसकी पिछली पॉलिसी में CRR हाइक दिया गया था. तो देखना ये होगा कि जब अब बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ शुरू हो गई है, 14% के आसपास क्रेडिट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है जो कि RBI गवर्नर ने कुछ ही दिनों पहले बताया था, तो इस बेसिस पे क्या लिक्विडिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई CRR हाइक नहीं होती है या फिर जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस हुई है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रयोग करते हैं. क्योंकि इस पूरे साल जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर रहा है और RBI की जो मैंडेट है वो 4%±2% यानी कि 6% से ऊपर नहीं जाने देना है. तो देखना होगा कि क्या ग्रोथ में रिविजन होता है, क्या फिर इन्फ्लेशन का टारगेट जो 6.7% रखा गया है FY23 में उसमें कोई रिविजन होता है. हम स्पेशल कवरेज 10 बजे आज शुरू करेंगे. बाजार, बॉन्ड मार्केट, ग्रोथ, ट्रेड्स कैसे बन रहे हैं, आपको हर चीज का 360 डिग्री एनालिसिस यहां ETNow स्वदेश में मिलेगा. लेकिन आगे बढ़ते हैं. एक स्टॉक जिसने काफी ज्यादा हेडलाइंस इधर देखी, ट्रेडिंग भी बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग भी हुई और रुचि बहुत है रिटेल इन्वेस्टर्स में, वो है Zomato. 41 का लो बना के ऑलमोस्ट 56 के ऊपर आसपास आ गया और आज सिटी ने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट जारी की है. उन्होंने कहा कि आगे आने वाले क्वार्टर्स में Zomato आउट परफॉर्म कर सकता है. Zomato पे 60 रुपए के आसपास आ गया है. बताइए Zomato पे उनका बहुत जबरदस्त ओवरवेट कॉल आया आज और जो एक इनकी होल्डिंग कंपनी है InfoEdge उस पर सेल कॉल है. तो पेयर ट्रेड बोला इन्होंने, Zomato पे ओवरवेट, InfoEdge पे अंडरवेट. डायरेक्टर साहब लास्ट 10-15 दिन का ग्राफ दोनों का लेके आइए, फिर हम ये वैशाली से डिस्कस करेंगे. ये चार्ट्स क्या बता रहे हैं, चार्ट्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करते हैं एक्शन, इंस्टीट्यूशनल एक्शन, रिटेल एक्शन. देखते हैं चार्ट्स क्या बता रहे हैं. 41 वाला 60 तो आ गया, करीब करीब 50%. अब पॉजिटिव नोट्स आ रही हैं, क्या करना चाहिए वैशाली. Zomato के चार्ट्स को और InfoEdge के चार्ट्स को अगर आप हमारे लिए चेक करके बताएं कि क्या रुख बन रहा है. सो Zomato
और फ्रॉम द टेक्निकल फ्रंट प्योरली ओवरसोल्ड काफी था और बाउंस बैक आ रहा है. सो वॉल्यूम भी काफी पिकअप हो रहा है, तो एक बार 60-63 तक ये स्टॉक जा सकता है. सो 63 के बाद वी कैन हैव अ रीलुक, बिकॉज अगर एक बार 63-65 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो फिर फर्दर कन्विक्शन आ सकता है दैट इट कैन गो टू 73-80 लेवल्स. तो मेरा नजरिया फिलहाल इतना ही रहेगा, बिकॉज टू क्विक टू इवेल्युएट दिस स्टॉक. फिलहाल मैं बाउंस बैक रैली ही समझूंगी. और जोमैटो मेरा मान इन्फो एज की बात करें तो एक्चुअली ट्रेंड फॉर्मेशन बन रहा है और 3000 का सपोर्ट है. अगर 3000 लेवल टूट रहा है तो फिर इसमें करेक्टिव बायस बना रहेगा, बट अदरवाइज इट इज अ पॉजिटिव. सॉरी, इट इज अ 4200. सो 4000 का एक सपोर्ट रहेगा, 4000 के नीचे बायस करेक्टिव बन जाएगा. राइट, तो ये इन्फो एज और जोमैटो पे एक चार्ट चेक भी वैशाली बता रही हैं. ठीक है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं. इनफैक्ट एक फंडामेंटल व्यू भी लेंगे, हमारे साथ सुशील भोजवानी भी हैं फंडामेंटल एनालिसिस पेश करने के लिए ग्रीन एज कैपिटल से. लेकिन पहले गुड मॉर्निंग सुशील, आपके पास भी आएंगे लेकिन वेरी क्विकली आज के तीन बड़े स्टॉक्स समझ लेते हैं. त्रिमूर्ति शेयर में शरद ने आज क्या कंपाइल किया है, सीजी की तो बात कर रहे थे हम, और दूसरे स्टॉक्स भी हैं, बताएं शरद. जी हाँ, सबसे पहले फोकस में रहने वाला येस बैंक, ऑलरेडी स्टॉक में 14% का तेजी देखने मिला है एक हफ्ते में, और एक महीने की बात करें तो 30% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है स्टॉक में. अब न्यूज़ यह है कि मूडीज़ ने अपग्रेड कर दिया लॉन्ग टर्म रेटिंग्स, अब वो Ba3 पे कर दिया, पहले वो Ba2 में था. अब ऑफकोर्स जो है उन्होंने कहा है कि जो आउटलुक है उसमें भी चेंज की गई है, अब वो स्टेबल कर दिया गया है पॉजिटिव से. तो ऑफकोर्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहेगा स्टॉक के लिए. और इसके अलावा रिसेंटली जो है ये अपग्रेड का जो रीज़न है ये है क्योंकि प्लान्ड कैपिटल इक्विटी रेज का अनाउंसमेंट हुआ था ऑलमोस्ट 8800 करोड़ रुपीस के लिए, और रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि आदित्य पुरी जो है वो बोर्ड में ज्वाइन कर सकते हैं बैंक के कार्लाइल के बिहाफ पे. तो ऑफकोर्स स्टॉक को नज़र पे रखिएगा. दूसरा स्टॉक रहेगा सीजी कंज्यूमर. यहाँ पे ब्लूमबर्ग से रिपोर्ट आ रही है कि टेमासेक होल्डिंग्स जो उनके प्रमोटर कंपनी के डेफिनेशन में आते हैं और ऑलमोस्ट 5.94% स्टेक होल्ड करते हैं कंपनी में, वो लगभग 790 करोड़ से लेके 800 करोड़ तक का जो शेयर्स के वैल्यू है वो बेच सकते हैं मार्केट में. अब ये सेलिंग स्टेक रहेगा ओपन मार्केट में, और अगर इसका टारगेट प्राइस जो इसका रखा गया है लगभग 370 रुपीज़ 50 पैसे पर शेयर रखा गया है, और ये लगभग 5 रुपये डिस्काउंट पे है करंट मार्केट प्राइसेस से. और तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2-3% तक जो ओवरऑल स्टेक है वो बिकवाली हो सकती है. तो बेसिकली उनकी हाफ ऑफ द स्टेक जो ऑलरेडी होल्ड कर रहे कंपनी में वो ओपन मार्केट में वो बेचेंगे. तीसरा स्टॉक रहेगा DLF. यहाँ पे जो है वो मिल कर रहे हैं एक्शन कि वो बिड करें दिल्ली की नई दिल्ली की एम्बियंस मॉल को लेके, और ये जो बिड अमाउंट रहेगा इसका स्टार्टिंग प्राइस लगभग 2900 करोड़ रुपीज़ रहने वाला है. ऑफकोर्स ये एम्बियंस मॉल ने जो है ये ऑक्शन पे आई है, और देखा गया कि जो करंट ओनर थे उन्होंने डेट को पे नहीं कर पाया सही टाइम पे, लगभग $149 मिलियन का था जो उन्हें पे करना था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को. ऑल राइट, हम जाएंगे अब भुजवानी साहब के पास और बात करेंगे कंज्यूमर स्टॉक्स की. एटलीस्ट शुरुआत करते हैं वहां से. कल शाम को ब्रिटानिया की के रिजल्ट्स आए, कमेंट्री में ऐसा दिखा कि शायद अभी प्राइस हाइक्स कंप्लीटली ओवर नहीं हुए, मार्जिन प्रेशर्स Q1 के रिजल्ट में पीक आउट नहीं हुए, आने वाले क्वार्टर्स में भी एटलीस्ट सेकेंड क्वार्टर में तो इंपैक्ट आता हुआ नजर आता है. यही चीज डाबर ने भी कही, एशियन पेंट्स ने भी आपको याद होगा ये बताया था कि स्कोप है और प्राइस हाइक्स का. ये जो पूरा यूनिवर्स है और जो कॉमेंट्री आ रही है यहां पर, ये आपको कैसी नजर आती है? स्टॉक तो चल गए क्रूड ऑयल के गिरने की वजह से, कहां अपॉर्चुनिटी है यहां? सो अजय जी गुड मॉर्निंग. सो बेसिकली अगर हम बात करें कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स की, तो अभी तो काफी कुछ, जैसे आपने सही कहा कि स्टॉक प्राइसेस तो काफी चल चुके हैं, बट टॉपलाइन को लेके अभी भी मुझे लगता है कि काफी स्कोप है ग्रोथ का. प्योरली अगर आप कंज्यूमर रिलेटेड स्टॉक्स देखें तो जैसे रिटेल सेक्टर है वहां पर काफी डिमांड अच्छी रही है, पिछले क्वार्टर भी 25-30% की ग्रोथ रही है रिटेल डिमांड में. कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर देखें तो समर काफी अच्छा रहा, आते हुए फेस्टिव सीजन में मुझे लगता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी डिमांड काफी सही रहेगी, और सप्लाई चेन इश्यूज के सॉर्टेड होते हुए चलते हुए कि सप्लाई चेन इश्यूज क्लियर हो जाए, थोड़े कमोडिटीज काफी नीचे आई हैं तो कॉस्ट रिलेटेड इश्यूज भी उनके लिए काफी क्लियर हो जाएंगे, तो मार्जिन्स आई थिंक एक बार के लिए फिर से स्टेबल हो सकते हैं ये सब कंपनीज के लिए. अगर आप ऑटो की बात करें, जैसे कंजम्पशन में ऑटो भी एक सेक्टर है, तो ऑटो में भी आप देखेंगे तो डिमांड काफी अच्छी रही है,
सेल्स काफी अच्छी रही है. सो एफएमसीजी और कंज्यूमर बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स में मुझे लगता है आगे जाकर ये हो सकता है कि आपके टॉप लाइन की ग्रोथ जो है वो बरकरार रहे और साथ में जो इनको मार्जिन के प्रेशर दिख रहे हैं अभी वो थोड़े कम हो जाएं, बिकॉज आपकी जो भी बेसिक एग्री कमोडिटीज हैं या फिर मेटल्स हैं ये सब काफी हद तक गिर चुके हैं. क्रूड एक कमोडिटी था जो गिर नहीं रहा था, वो अब आई थिंक कल अगर आप देखें तो काफी गिरा है और लग रहा है कि अब वो भी थोड़ा स्टेबल ही रहेगा $90 या $100 के बीच. तो अगर क्रूड ऐसा रहा और बाकी कमोडिटीज जो गिर चुके हैं उसके चलते मुझे लगता है मार्जिन काफी अच्छे रह सकते हैं तीसरे और चौथे क्वार्टर में इन कंपनीज के लिए. ठीक है, तो ये राय कंज्यूमर स्टॉक्स पर दे दी गई है. इस आगे और चर्चा करेंगे लेकिन इस बीच कुछ ट्रेडिंग कॉल्स पर भी नजर और डाल लेते हैं. संतोष, आपने मार्केट पर व्यू शेयर किया, आपकी तरफ से कुछ और ट्रेडिंग रिकमेंडेशन आज के लिए? मेरे तीन कॉल्स रहेंगे, एक सेल साइड है और दो मिड कैप्स में बाय साइड कॉल्स है. पहला है गेल का. गेल के कल रिजल्ट्स आया, रिजल्ट्स बहुत अच्छा है लेकिन अच्छे रिजल्ट्स के बावजूद भी इसने कमजोरी दिखाई है और लोअर लॉस लोअर हाइज बना रहा है और कल अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे बंद हुआ है. तो मुझे लगता है शायद यहाँ प्रेशर देखने को मिल सकता है. 134 का टारगेट रहेगा एंड 142.5 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा. बैंक साइड में मेरा सुप्रीम इंडस्ट्री है. इसका स्ट्रक्चर देखें तो काफी अच्छा हो रहा है, एक बुलिश इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और जिस हिसाब से क्रूड में फॉल आ रहा है उसका बेनिफिशियरी भी है. तो यहाँ पे 2000 रुपीस का टारगेट रहेगा एंड 1850 रुपीस का स्टॉप लॉस रहेगा. लास्ट कॉल करूर वैश्या बैंक पर है. इसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग हो रहा है. आप इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आया है और उसको फॉलो करके एक फ्लैग फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट आते दिख रहा है. तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है. स्टॉक्स का इमीडिएटली 66 रुपीस का टारगेट रहेगा एंड 57 रुपीस का स्टॉप लॉस रहेगा. तो ये मेरी तीन कॉल्स है. हम कंज्यूमर स्टॉक्स की बात कर रहे थे, एक और वैरायटी है कंज्यूमर स्टॉक्स की, वो है रेस्टोरेंट, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, वो सब जो वैरायटी है खाने पीने के जो स्टॉक्स हैं, उधर बहुत रुचि है बाजार की. इधर देवयानी के रिजल्ट्स अच्छे आए, स्टॉक चल गया. जुबिलेंट में आए दिन बाय कॉल्स आ रही है और ये हमने डेटा निकाला है कि सेम स्टोर सेल्स भी कल बारबेक्यू नेशन की भी अच्छी आई. अगर चार्ट्स पे बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट्स आपको कौन से नजर आते हैं अगर मैं इन स्टॉक्स की बात करूं? जुबिलेंट, देवयानी, केएफसी, आपका बारबेक्यू नेशन वगैरह. वैशाली? हाँ जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ध्यान है वेस्ट लाइफ में, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट जो आई थिंक मैकडोनल्ड्स का जो है. तो वीकली चार्ट भी मैं देख रही हूँ तो उसमें भी ब्रेकआउट आने की तैयारी है और स्टॉक काफी अच्छा रिटर्न दे चुका है एंड आई स्टिल फील कि इसमें अभी भी अपसाइड पोटेंशियल है. सो माय फेवरेट पिक इन दिस सेक्टर इज बेस्ट लाइफ. और उसके बाद देखा जाए तो मैं देवयानी ट्रैक कर रही हूँ तो देवयानी ऑल्सो अच्छा रन अप आ चुका है और अभी भी पॉजिटिव व्यू बना रहेगा. 184 पे चल रहा है. आई वोंट बी सरप्राइज ये स्टॉक 220 तक भी एक रन अप दे. Absolutely. और इनफैक्ट इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, कमेंट्री अच्छी आ रही है, वॉल्यूम आपको ग्रोथ दिख रही है, तभी ये स्टॉक शायद आप नोटिस करें आज 2 से 3 हफ्ते पहले ही चलना शुरू हो गए थे. जब हम बात भी कर रहे थे कि हमारे सारे एनालिस्ट के रडार पर आपको ज्यादातर QSR, ईटरीज, खाने पीने के स्टॉक्स आ रहे हैं. एक और स्टॉक जिस पर आपसे बात करेंगे सुशील, येस बैंक. इसमें भी बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं लेकिन अब जैसे मूडीज का यहाँ अपग्रेड आया और 2-3 बड़े ट्रिगर्स उन्होंने यहाँ कोट किए हैं क्योंकि एक तो बड़ा निवेश आ रहा है और दूसरा इनके बोर्ड पे अब अरुणपुरी होंगे. तो ये दो बड़े चीजें होंगे, आदित्यपुरी होंगे. तो ये दो बड़े ट्रिगर्स जो है ये बहुत बड़ा एक ऑफकोर्स एक इंटरेस्ट तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का जरूर होगा क्योंकि बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स में फंसे हुए हैं. इसमें अगर आप देखें तो आई थिंक सबको पता है कि येस बैंक के डिबैकल के बाद सब लोग रिस्ट्रक्चरिंग के लिए रुके और रिस्ट्रक्चरिंग काफी हद तक हुई. काफी बैंकों ने इसमें निवेश किया, इन्वेस्ट किया और अब काफी बोर्ड लेवल पे चेंजेस हो रहे हैं. तो स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक को लेके या बिजनेस को लेके तो मुझे लगता है कि काफी चीजें ठीक हो रही है, बट स्टॉक प्राइस को लेके मुझे लगता है कि थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि एक तो बिकॉज आपने देखा है कि पहले भी लोगों ने इन्वेस्ट कर काफी धोखा खाया है तो काफी कॉशियस रहेंगे लोग वापस से इसमें इन्वेस्ट करने के लिए एग्रेसिव. तो मुझे लगता है कि फंडामेंटली अभी बिजनेस को लेके चेंजेस तो हुए हैं
बट नतीजों को लेके, रिजल्ट्स को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेके अगर वो चेंजेस दिखे और वो एप्लीकेशन दिखे और एग्जीक्यूशन दिखे, यू नो, विद रिगार्ड्स टू ब्रांच एक्सपेंशन, विद रिगार्ड्स टू डिपॉजिट ग्रोथ, विद रिगार्ड्स टू क्रेडिट काइंड ऑफ बड़े बढ़ोतरी दिखे क्रेडिट ग्रोथ में भी, तब जाकर मुझे लगता है कि थोड़ा और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा इस पर, क्योंकि वो पहले इसमें धोखा खा चुके। तो मुझे लगता है कि अभी के लिए ये बैंक करीबन यहीं रह सकता है, तो स्टॉक यहीं रह सकता है, बट आगे चलते हुए जब ये चेंजेस दिखे और बैंक की ग्रोथ दिखे, तब आई थिंक मुझे लगता है इन्वेस्टर्स थोड़ा कॉन्फिडेंस से और एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे। एक सवाल संतोष आपसे पूछेंगे लुपिन पे। लुपिन में हमने देखा कि कल काफी अच्छी इंटरडे रिकवरी आई। डायरेक्टर साहब, लुपिन के कल के इंटरडे ग्राफ को लेके आइए और साथ में कॉन्फ्रेंस कॉल के वो कमेंट्स बताइए, क्योंकि बाजार को ये कमेंट्स पसंद आए इसीलिए रिकवरी आई। एक्चुअली 603 वाला 660 करीब 10% की इंटरडे रिकवरी हमने लुपिन के स्टॉक में देखी। और गुप्ता फैमिली ये कह रही है, फाउंडर फैमिली ये कह रही है कि हम लो मार्जिन वाले बिजनेस से एग्जिट करेंगे और गाइडेंस दिए 2 साल में मार्जिन बढ़ने की, करीब करीब 20% जाने की। ये ट्रिगर था चार्ट में, काफी हद तक ये कैप्चर होता हुआ नजर आया। संतोष, चार्ट से बताइए, मैं ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन का लेके गया क्योंकि इंट्राडे रिकवर हुआ था, क्या मैं अभी बुक कर लूं या मैं थोड़ा होल्ड करूं उसको इसमें और ज्यादा, क्योंकि ये रिकवरी जो हुई है इसमें बहुत बड़े वैल्यू डिस्ट्रक्शन टाइम के बाद हुई है, तो क्या ये जारी रह सकती है? लुपिन की बात करें तो इसका भी स्ट्रक्चर जोमेटो जैसा है, क्योंकि एक बहुत ही अंडर परफॉर्मर रहा है निफ्टी में, आई थिंक सबसे बड़ा वेल डिस्ट्रॉयर रहा है पिछले कुछ समय में, और एक्सट्रीम पेसिमिज्म के बाद मुझे लगता है यहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो ये थोड़ा सस्टेनेबल है। 600 रुपए का बेस बन चुका है, कल का वॉल्यूम प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मुझे एटलीस्ट लगता है यहाँ से 800 रुपए तक का बाउंस बैक आ सकता है, तो यहाँ पे आप लॉन्ग साइड होल्ड कर सकते हो। 800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर बोलेंगे कि एक अच्छा बुलिश मोमेंटम बनते दिखेगा, बट फॉर टाइमिंग तो नियर टर्म बॉटम बन चुका है, नीचे कोई डिप मिलता है तो 640 का एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। इनफैक्ट लुपिन पे तो बहुत सारी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी है। वेरी क्विकली अपने व्यूवर्स को भी बता देते हैं कि क्या यहाँ पर सीएलएस से कभी हो, सीएलएस से लेकिन अंडरवेट ही मानता है और टारगेट 670 तक का उन्होंने बनाया। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो अंडरशॉट रहेंगी एक्सपेक्टेशन, चाहे आप यूएस मार्केट्स की बात करें, जो की मार्केट्स है, चाहे इंडिया की बात करें। दूसरी तरफ एक और ब्रोकरेज हाउस का रिपोर्ट का व्यू है लुपिन पे, बुफा का भी लुपिन पे व्यू है, वो न्यूट्रल स्टांस मेंटेन कर रहे हैं। उनका भी टारगेट हालांकि इसके आसपास ही है 675 के पास, और उनको लगता है कि यूएस से थोड़ा डेंट और बढ़ सकता है। न्यू लॉन्चेस तो इंप्रूव होंगे लेकिन जो यूएस की सेल्स है वहां पर शायद थोड़े से कंसर्न्स हो सकते हैं। तो लुपिन पे तो एक व्यू क्लियरली ये ब्रोकरेज हाउसेस का व्यू है। कुछ और स्टॉक्स पे देख लेते हैं। आज टाइटन के भी नंबर्स आने हैं। टाइटन आई थिंक हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पे कल से ही आ रहा था। कुछ आपने टाइटन पे कॉल दी थी आई थिंक, और आपके टारगेट्स क्या थे? जी हाँ, मैंने कल टाइटन पे कॉल दिया था, यहाँ पे 2460 के टारगेट से ऑन एन इमीडिएट बेसिस, और वो मैं मेंटेन कर सकता, यू नो, मैं मेंटेन करना चाहूंगा बिकॉज काफी जो मोमेंटम है इसमें अभी भी अच्छा स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, और 2400 का इसमें यू नो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी था और हम कॉल राइटिंग भी काफी अच्छी देख रहे थे, लेकिन स्टॉक ने यू नो उसके ऊपर यू नो काफी समय से सस्टेन किया है, तो एक यू नो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग रैली भी आ सकती है, कॉल बेसिस भी आप ऊपर शिफ्ट होते हुए देखेंगे, एंड इट कैन मेक अ सर्च टुवर्ड्स 2460 ऑन एन इमीडिएट बेसिस। बट एज यूजुअल मैं रिजल्ट्स वाले दिन ट्रेडिंग रेकमेंड नहीं करता बिकॉज स्टॉक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो 2400 के स्टॉप लॉस से इसे होल्ड करिए। ठीक है, तो ये राय स्टॉक पे दे दी गई है। चलिए कुछ नतीजों पर भी फोकस कर लेते हैं, और आज निफ्टी की दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, टाइटन और एमएनएम। सबसे पहले टाइटन के नतीजे समझ लेते हैं, आज कैसे रह सकते हैं नंबर्स, और रविनी हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरा एनालिसिस लेकर। रविनी बताइए, टाइटन के नतीजों में से क्या एक्सपेक्टेशन है? टाइटन अपने Q1 FY23 नंबर्स रिपोर्ट करने वाले हैं, और उसमें देखा जाए तो क्या सपोर्ट कर रहा है टाइटन के नंबर्स को ये टाइम। वन तो लास्ट टाइम काफी लो बेस था, तो वो एक लो बेस की वजह से ये टाइम के अर्निंग्स काफी अबाउ एंड ओवर एंड हायर लगेंगे। पर उसके अलावा भी थे स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया सेल्स, वो भी काफी अच्छे थे, फेस्टिव सीजन थे, सेल्स अच्छे थे, तो उसकी वजह से ज्वेलरी सेगमेंट की जो सेल्स है वो भी काफी अच्छी एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड। नाउ टाइटन के Q1 अपडेट में कंपनी ने बताया था कि वो लोग 200% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ज्वेलरी की रेवेन्यू में, मेनली बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अक्षय तृतीया सेल्स। उसके अलावा बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ जो है, वॉचेस बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, आईवेयर बिजनेस रेवेन्यू ग्रोथ, वहां पे भी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड।
ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2-3 टाइम्स ग्रोथ एक्सपेक्टेड है दोनों सेगमेंट्स में भी. मार्जिन्स स्ट्रांग एक्सपेंशन एक्सपेक्टेड है क्योंकि ओवरऑल बेटर स्टडेड ज्वेलरी रेशियो जो ओवरऑल सपोर्ट करेगा मार्जिन्स को. और उसके अलावा ऑपरेटिंग लेवरेज फैक्टर्स प्री कोविड लेवल्स पे भी पहुंच गए काफी सेल्स, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सपोर्ट करेगा ओवरऑल टाइटन के अर्निंग्स को. ऑल इन ऑल स्ट्रांग नंबर्स एक्सपेक्टेड है दिस टाइम अराउंड टाइटन से. बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनीत सारी जानकारी देने के लिए. तो टाइटन के नंबर्स अच्छे रह सकते हैं, अक्षय तृतीया की जो सेल्स थी उससे काफी फायदा मिलेगा. मैनेजमेंट कमेंट्री कैसी होती है इस पर हमारी नजर रहेगी और टाइटन पर एनालिस्ट की व्यू भी हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले सुनवाया. चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर नजर डालते हैं. और त्रिमूर्ति शेयरों में एक और स्टॉक पर हमने डिस्कशन किया, डीएलएफ. यहाँ पर देखिए खबर आ रही है एम्बियंस मॉल के लिए कंपनी एक बड़ा निवेश कर सकती है. एम्बियंस बैंक्रप्सी के कगार पर आ चुकी है, इस वजह से हम देख रहे हैं कि डीएलएफ इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है. 2900 करोड़ के निवेश की बात यहां पर की जा रही है. डीएलएफ के स्टॉक में कल हमने हल्का प्रेशर देखा, लेकिन निचले स्तरों से एक रिकवरी आखिरी कुछ सेशन में देखने को भी मिली थी. कुछ क्या राय बन रही है आपकी डीएलएफ पर? डीएलएफ का जो स्ट्रक्चर है ये बहुत इंकरेजिंग नहीं है अगर मैं एक लंबे टाइम फ्रेम पे देखूं तो भी, और अगर मैं इमीडिएट टाइम फ्रेम पे देखूं हमने एक बहुत शार्प रन अप देखा है, लेकिन स्टॉक ने जो अपने प्रीवियस हाईज हैं उनको नहीं क्रॉस किया है, जो करीब 408 के आसपास बन के आ रहे हैं. और ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इसका जरा सा मुझे जरा सा चिंता वाला लग रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बात करें रियल्टी सेक्टर में तो देर इज अ लॉट ऑफ मोमेंटम, लेकिन ये स्टॉक कहीं ना कहीं उस तरह से आउट परफॉर्म नहीं कर पाया है. इमीडिएट बेसिस पे अगर इसके हम इंडिकेटर सेटअप देखें तो ये भी बहुत नेगेटिव है. 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चला गया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, जस्ट उसके नीचे क्लोजिंग भी है. तो फिलहाल मैं इसमें बाय की सलाह तो नहीं दूंगा, बट अगर एग्जिस्टिंग पोजिशन किसी की हो तो उसको आप 360 का जो लेवल है 360-355 के जो जोन है यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बेस है, उसके साथ अपनी लॉन्ग पोजीशंस बना के रखें. स्टॉक अगर गिर के उन लेवल्स तक आता है तो यहां से आप एग्जिट कर जाइए. ठीक है, आगे चलते हैं और आपको बात बताते हैं स्टील में क्या हो रहा है. स्टील के जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इन सब के लगा एक महीने के ग्राफ लेके आइए डॉक्टर साहब. ये बताना जरूरी है कि स्टील में बहुत बड़ी फॉल के बाद रिबाउंड प्ले करने के बाजार की रुचि है. एक महीने में 25% रिबाउंड हो चुके हैं ये स्टॉक्स, और अब बाजार में रिपोर्ट्स आ रही हैं, धीरे धीरे बात हो रही है कि शायद जो स्टील की ड्यूटी लग गई थी स्टील के ऊपर प्राइसेस को अंडर चेक रखने के लिए, वो क्या रोल बैक हो सकती है बाजार की. ये भी बात है बाजार में डिस्कस हो रहा है कि जिस तरह से विंडफॉल टैक्स के बारे में का केस वीकेंड हो गया इन्फ्लेशन पिकआउट होने पर, क्या स्टील में वही हो सकता है. इस बात के ऊपर चलते स्टील में क्या ट्रेड की गुंजाइश बन रही है. थोड़ा अगर ऑलरेडी आप एक राउंड खेल चुके हैं स्टील के स्टॉक्स में लॉन्ग साइड, अब क्या करें. गौरव आप बताइए, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू, कोई और स्टील स्टॉक, जेएसपीएल, ट्रेड की गुंजाइश है यहां से, और अगर ऑलरेडी मैं पोजीशन लॉन्ग हूं तो क्या करूं. जी अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग नहीं है तो आई थिंक यू हैव मिस्ड द मूव, तो यहाँ पे चेज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो स्टॉक्स है वो काफी हद तक ऑलरेडी बढ़ चुके हैं और अब शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर जो है वो ओवरबॉट रीडिंग दिखा रहा है. सो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल जो है वो लिमिटेड रहेगा, सो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा फ्रेश लॉन्ग करने के लिए. अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग है तो मेरे ख्याल से पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना चाहिए, जो कि ये ट्रेंड अनफोल्ड हो रहा है, अभी तक कोई रिवर्सल की साइन नहीं है. सो देयर इज नो रीजन टू एग्जिट फुल्ली, पार्शियल बुक कर सकते हैं बट स्टॉप लॉस ट्रेल करके ट्रेंड राइड कर सकते हैं. और राइट, तो ये तो स्टील काउंटर्स पे एक व्यू होगा. आज एमएनएम के भी नंबर्स आने हैं. एमएनएम बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, पिछले 6 महीने में हम देखेंगे मोर देन 40% का मूव ये दिखा चुका, इनफैक्ट क्लोज टू 50% का मूव. लेकिन अब क्या नंबर्स आने से पहले कोई ट्रेड बनता है इसमें वैशाली? एमएनएम के नंबर्स पर क्या कोई ट्रेड आप देख रही हैं चार्ट्स पर? No, I don't think so. Results actually, it will be quite a risky trade और काफी overbought भी है, तो ये levels पे मैं result के अनुसार नहीं दूंगी, but जिसके पास है जरूर बने रहे because I'm sure the numbers will be good. अभी देखते हैं क्या होता है. ओके, ठीक है, तो ये राय एमएनएम पर आपको दे दी गई है. एक और नंबर पर फोकस करते हैं, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, इसके भी नतीजे आए. ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी इस स्टॉक पर निकल कर आई, जिसमें कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज 455 के टारगेट्स यहां पर देख रहा है, और जो रिजल्ट्स हमने देखे प्रोविजनिंग के फ्रंट पर काफी ज्यादा यहां पर एक तेजी देखने को मिली है. हालांकि आप हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़ेंगे, उनके साथ हम बात करेंगे कि ऑपरेशनल आधार पर कैसे नंबर्स दिखे और आगे के लिए ग्रोथ आउटलुक क्या है. बट
बट यहाँ पर एक बार आपसे राय लेना चाहेंगे संतोष, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? एलआईसी की बात करें तो 395 से 400 इसको एक सप्लाई जोन था, वहीं से इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। हालांकि 370 इसका 20 और 200 डे मूविंग एवरेज है, तो वहां पे कल लो बनाया, तो मैं वॉच करूंगा 370 अगर होल्ड करता है तो शायद फिर से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है आपको 385-90 के। लेकिन अगर 370 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ता दिखेगा, स्टॉक फिर शायद 360-355 तक के लेवल भी दिखा सकता है, तो 370 के लेवल को वॉच करना चाहिए आज के लिए। एक मिनट के लिए वापस जाते हैं बाजार की पोजीशनिंग, आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री के पहले कैसी है? हमने देखा है कि एक एक्सट्रीम ओवरसोल्ड से बाजार रिबाउंड करके फिर थोड़ा अटक गया है 17,000 के आसपास, अगर आप निफ्टी की बात करें, और इन्वायरमेंट में बदलाव बहुत सारे हुए हैं। जी हाँ, रेट हाइक के चांसेस हैं 35 से 50 बेसिस पॉइंट, बट बाजार उसको ऑलरेडी फैक्टर इन नहीं करके बैठा है। आपके हिसाब से ग्रोथ पे क्या बाजार दिखेगा, उनकी कॉमेंट्री में रीड क्या करेगा बाजार आज? सुशील जी हाँ सॉरी, तो मुझे लगता है अगर आप बॉन्ड यील्ड्स देखें तो बॉन्ड यील्ड्स को देखते हुए आपको दिखेगा कि बॉन्ड यील्ड्स काफी कूल ऑफ हुए हैं पिछले दो दिनों में। एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि 35 से 50 बेसिस पॉइंट की है, बट कमेंट्री को लेके मुझे लगता है कि जिस तरह से कमोडिटीज गिरे हैं और इन्फ्लेशन थोड़ा कूल ऑफ होने के आगे जाके चांसेस है। आरबीआई ने पिछली बार 6.7% का इन्फ्लेशन टारगेट रखा था, मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कमोडिटीज रहे और क्रूड गिरता रहा तो इन्फ्लेशन हो सकता है 6% के करीब हो या उससे भी नीचे जाए। तो एक तरह से मुझे ये लग रहा है कि आरबीआई यहाँ से आगे जाकर इंटरेस्ट रेट हाइक करेगा क्या, ये मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है कुछ वक्त के लिए। मुझे लगता है कि ये थोड़ा पॉज लेंगे और आई थिंक वो कमेंट्री में भी इस तरह से ही बताएंगे कि यहाँ सर थोड़ा पॉज लेने की गुंजाइश है, और अगर वो कमेंट्री रही जो थोड़ी बुलिश कमेंट्री रही तो मुझे लगता है कि क्योंकि इन्फ्लेशन इतना हद तक नीचे आ रहा है और आ सकता है आगे भी, और ग्रोथ के लिए तो मुझे कोई जैसे हमने पहले भी बात की ग्रोथ को लेकर तो कोई डाउट है ही नहीं कि इंडियन मार्केट्स में एटलीस्ट कंपनीज को लेकर बिजनेसेस को लेकर ग्रोथ काफी अच्छी है, डिमांड काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है ग्रोथ तो कंटिन्यूशन में रहेगी, तो एक तरह से बाजार के लिए भी ये अच्छा रहेगा और मुझे लगता है कि कंपनीज के लिए भी अच्छा रहेगा कि इंटरेस्ट रेट्स आगे जाकर हाइक नहीं होंगे। तो मेरा व्यू यही है कि आज की पॉलिसी रेट के बाद कुछ हद तक पॉज बने रहेगा ऑन द इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, एब्सोल्युटली। चलिए अब प्री ओपन में आप देख रहे हैं, हालांकि थोड़ा सा प्रेशर निफ्टी पर जरूर देख रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि रिकवर होता है नहीं, लेकिन आज लाइनअप बहुत खास है, आप कहीं नहीं जाएगा, ईटी नाउ स्वदेश के साथ बने रहे क्योंकि आरबीआई पॉलिसी से पहले और पॉलिसी के बाद पूरा एनालिसिस आप ईटी नाउ स्वदेश में देखें। हमारे साथ खास पैनल होगा 9:45 से लगातार होंगे, डीएसपी इन्वेस्टमेंट के संदीप यादव होंगे, हमारे साथ बैंकर्स भी होंगे, हमारे साथ नीरज दीवान, विकास खिवानी, गरिमा कपूर और सौगत भट्टाचार्य होंगे, जहां पॉलिसी का पूरा शशांक श्रीवास्तव होंगे और शलप सक्सेना, गिरीश कौसकी भी होंगे। तो सारे इंडस्ट्री व्यू भी लेंगे हम, सेक्टर व्यू, इकोनॉमी व्यू, इकोनॉमिस्ट व्यू और बैंकर्स का व्यू कि किस तरह से इस पॉलिसी को बाजार के लिए देखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। एक बार आज बहुत सारे सर्किट लिमिट्स भी चेंज हुई है, 300 से ज्यादा कंपनीज हैं जिनके सर्किट लिमिट में रिवीजन हुई है, इन पर बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि ट्रेडिंग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत अहम हो जाते हैं। एक बार वो लिस्ट भी लेकर आते हैं सामने जहां पर आज सर्किट फिल्टर्स में बदलाव हो रहा है। आप ये स्टॉक्स देख रहे हैं जो जिनको जरूर रडार पर रखेंगे आप, तो इजी ट्रिप, ग्रेविटा, अदानी ट्रांसमिशन, रूपा, यहां पर सर्किट लिमिट पहले 10% थी, अब इनके 20% के सर्किट लिमिट, यानी और ज्यादा वॉलेटिलिटी इन स्टॉक्स पे आ सकती है। लेकिन क्या इसके बिहार में कोई ट्रेड्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वैशाली से पूछेंगे, वैशाली आप इस लिस्ट को देख पाए? संतोष से पूछते हैं, संतोष सर्किट लिमिट चेंज मतलब ज्यादा मार्केट ट्रेडिंग के, ज्यादा वॉलेटिलिटी, कौन सा स्टॉक है जो इंपैक्टेड हो सकता है? मैं स्टॉक ट्रेक नहीं किया, आप स्टॉक्स के नाम बताए तो मैं चार्ट फिर से लिस्ट लेकर आता है सामने। बिल्कुल, ये आप कुछ लिस्ट भी देख रहे हैं स्टॉक्स की, यहाँ 5 से 20% तक की लिमिट हुई है, ट्राइडेंट, टीडी पावर, 10 से 20% में अदानी ट्रांसमिशन जैसे स्टॉक्स भी थे, ग्रेविटा, अदानी ट्रांसमिशन, ये स्टॉक्स भी थे, इनफैक्ट इजी ट्रिप, रूपा एंड कंपनी, ये सारे स्टॉक्स भी थे, इस पर आप अपनी राय दे पाएंगे? इन सब में से मेरा जो टॉप प्रेफर्ड पिक है वो इज माई ट्रिप है, मेरा फेवरेट स्टॉक रहा है, टेक्निकली और फंडामेंटली कंपनी काफी अच्छी है, तो इस स्टॉक पे नजर रखना चाहिए। इसमें 380 के बेस से बाउंस बैक देखने को मिला है, मुझे लगता है स्टॉक में रैली देखने को मिल सकती है, स्टॉक शायद 500 का लेवल भी दिखा सकता है, तो इस स्टॉक पर नजर रखना चाहिए।
एक्चुअली तीन कैटेगरी में सर्किट फिल्टर के बदलाव हुए हैं, 2 से 5%, 5 से 10% और 10 से 20%। हमने तीनों कैटेगरी के कुछ स्टॉक्स आपको निकाल के लाए ताकि हम आपको बता सकें कि कहां पे बाजार की रुचि बन सकती है। पहले आपको 10 से 20% वाली लिस्ट बताते हैं, बजाज हिंदुस्तान, डिफॉल्ट कंपनी, आप पश्चिम मत करिएगा उसको, गणेश हाउसिंग, ठीक है, पूरी बड़ी लिस्ट लेके आइए तो हम आपको रीड करके बताएं, इजी ट्रिप, ग्रेविटा इंडिया, अदानी ट्रांसमिशन, रूपा में 10 से 20% हुए, 5 से 10% वाली लिस्ट लेके आते हैं। सैटर्न क्रेडिट कार्ड, स्पंदना में अच्छा काम हो रहा है आजकल, हाइकल भी रिबाउंड हुआ है, इस पर भी आप नजर रख सकते हैं, वरांडा लर्निंग ऑलरेडी सर्किट पे लग गया, आप देखिए सिंप्लेक्स इंफ्रा ऑलरेडी सर्किट पे लग गया 5-5%। तो ये आपको तीनों कैटेगरी में देखना पड़ेगा कहां कहां पे कितना बदलाव आया और उन स्टॉक्स में काम करिए जहां पे वॉल्यूम होता है और कुछ बिजनेस मॉडल है। अब बजाज हिंदुस्तान में कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, भयंकर डेट वाली कंपनी है, शुगर की कंपनी थी, ऑलमोस्ट खराब हो गई थी, इसका नाम हम यहां से निकाल देंगे, लेकिन गल्फ ऑयल, गुलशन पॉली, एवरेस्ट कैंटो, ये अच्छे नाम है, यहां 5 से 20% हुई है, एमआरपी आपने ऑलरेडी देखा क्या हुआ, यहां पे बढ़िया काम हो सकता है, इस पे आप जरूर से नजर बनाए रखें। रेमंड करके कंपनी है जो इधर एक करेक्टिव फेज में चली गई। गौरव, आपने रेमंड का चार्ट देखा है, आज रिजल्ट्स है, सबको पता है कि सारे सेगमेंट्स में टेलविंड है, 950 के आसपास क्या इसमें एक रिजल्ट के पहले क्या एक अटेम्प्ट करना चाहिए? जी डेफिनेटली मेरे ख्याल से अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम डेली और वीकली दोनों ही चार्ट्स को कंबाइन करके देखें तो ये स्टॉक दोनों ही टाइम फ्रेम पे अपने एवरेजेस के ऊपर, क्रूशियल एवरेजेस जो है उनके ऊपर एक बेस फॉर्म कर रहा है, एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है। सो एक अच्छा स्टॉप लॉस हमें यहाँ मिल रहा है जो कि है करीब 917 का। सो अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो 917 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग की कोशिश कर सकते हैं। आप फुल फ्लेज लॉन्ग इनिशियली मत करिए, आप स्टैगर्ड वे में बाइंग कर सकते हैं, करंट लेवल पे सपोज 50% बाय करते हैं तो वेट करिए, प्राइस ऊपर जाता है, कंफर्मेशन आता है तो और ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए लेवल रहेगा 1000 का, अगर ये स्टॉक 1000 के लेवल क्रॉस कर देता है तो आप लॉन्ग पोजीशन में और ऐड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ मैं मानता हूं कि एक डिसेंट रिट्रेसमेंट दिखा सकता है, जो पिछला फॉल हुआ था जो कि हमने देखा जून महीने में एक करेक्शन हुआ था उसका एक डिसेंट रिट्रेसमेंट है अराउंड 1037 इनिशियली 50% रिट्रेसमेंट और 61.8% रिट्रेसमेंट है 1095। सो इन दो टारगेट के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं बट विद अ फिक्स्ड स्टॉप लॉस ऑफ 917। बिल्कुल, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ रेमंड में आप बने रह सकते हैं और 1000 के ऊपर की लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आपको क्विकली सुनवा देते हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ सुबह जुड़े थे और उनके मुताबिक ऑटो शेयरों के ऊपर जाने के बाद भी उसमें पैसा बनाने की पूरी उम्मीद है और फार्मा शेयरों पर भी उनका क्या व्यू बन रहा है, आइए आपको एक बार सुनवा देते हैं। ऑटोज के ऑटो प्राइसेस, ऑटो के स्टॉक्स ऊपर जा चुके हैं, मगर क्या ऑटो स्टॉक्स में अभी भी पैसा बन सकता है? जी हाँ बन सकता है, मगर सिर्फ क्योंकि फार्मा शेयर नीचे आ चुके हैं, मार्केट ऊपर जा चुका है, ऐसे सेक्टर को पकड़ लीजिए जिसके अंदर गिरावट, जिसके अंदर अभी भी मूवमेंट नहीं आया, आई थिंक वो एक गलत रणनीति रहेगी। फार्मा को लेकर के बुनियादी तौर पर 2 या 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं। नंबर वन, फार्मा की जो री रेटिंग हुई थी कोविड के बाद, वही अब प्रकार वहां पर एक प्रकार की डी रेटिंग हो रही है। दूसरा, यूएस जेनेरिक में अभी भी प्राइसिंग प्रेशर दिख रहा है जो हमें लग रहा था ठीक हो जाएगा। तीसरा, यूएस एफडीए की काफी स्ट्रिक्ट ऑडिट्स आ रही हैं, जहां पे इंडियन कंपनीज को एक एडवांटेज मिला था कोविड के समय में, चलिए जी सब चल रहा था, वहां लेकर की चिंता है। तो यूएस बेस्ड फार्मा कंपनीज विद द एक्सेप्शन ऑफ सन फार्मा अवॉइड करिए, डोमेस्टिक फार्मा कंपनीज में फिर भी आउट परफॉर्मेंस का स्कोप लगता है और छोटे पॉकेट में सिर्फ एपी है, उसके अलावा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। लार्ज कैप फार्मा में सन फार्मा, इंडियन बिजनेस में सिप्ला, एपीआई की बेट कुछ हद तक डीवीज हो सकती है और इसके अलावा मेरे हिसाब से फार्मा में अभी अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, तो ये व्यू ऑटो और फार्मा शेयरों पर। चलिए क्विकली कुछ नतीजों पर भी नजर डाल लेते हैं और इसमें एनबीएफसी स्पेस से कल हमने देखा बाजार बंद होने के बाद काफी सारे नंबर्स आए, कि कब के ऊपर भी एक बार आप व्यू ले लेते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस, नतीजे काफी कमजोर आए हैं, ब्याज से आय में गिरावट है, मुनाफे में भी 35% की गिरावट इस बार देखने को मिली है मणप्पुरम फाइनेंस के नतीजों में। संतोष, क्या व्यू बन रहा है आपका मणप्पुरम पर? कल कुछ कमजोरी थी, नतीजे कमजोर आ रहे हैं, क्या वीकनेस और बढ़ सकती है स्टॉक पर?
मणप्पुरम की बात करें तो टेक्निकली इसको 105 रुपए पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गैप का, टेलविन जरूर है इनके साथ कि गोल्ड के प्राइसेस में एक अच्छा रिबाउंड आ रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी इनके हेडविन है कि बैंकों से कंपटीशन बढ़ रहा है। टेक्निकली 105 का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो मुझे लगता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है ऊपर में फिर 110 तक के, बट थोड़ा सा मुश्किल है 105 का लेवल क्रॉस करना। यहां से अगर डिप आता है तो मुझे लगता है 95 का लेवल सपोर्ट रहेगा जो 20 डे मूविंग एवरेज है, तो यहां से वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है, वहां से कोई बाइंग इनिशिएट करना चाहे तो कर सकता है। राइट, ठीक है, तो ये तो मणप्पुरम फाइनेंस पे एक व्यू हो गया। एक बार वेरी क्विकली उन स्टॉक्स पर भी एक राय ले लेते हैं जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के पास है। एयू स्मॉल फाइनेंस, यहाँ हमने देखा क्यूआईपी का एक ट्रिगर था कल, कल आपको स्टॉक में अच्छी तेजी दिखी और अब भी मोमेंटम पे है, ये ब्रेकआउट शेयर है अभी, क्या आज भी मौके मिल सकते हैं, इस पे पोजिशन लेनी चाहिए? संतोष, एयू स्मॉल फाइनेंस बहुत जल्दी बताएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो 645 के आसपास, 645-650 के बीच में रेजिस्टेंस है, मेरे हिसाब से यहाँ नहीं लेना चाहिए। अगर 650 के ऊपर सस्टेन करता है तभी पोजीशन बनाना चाहिए, या फिर कोई डिप मिलता है आपको 610 के आसपास तो एंट्री देखिएगा। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी एक व्यू फटाफट दे देते हैं कि वहां किस तरह की मोमेंटम आज हमारे एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ और स्टॉक्स भी लेंगे जहां ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के चांसेस हैं और वहां ट्रेडिंग की पोजीशन व्यूअर्स ले सकते हैं। निफ्टी पर एक बार चलिए समझ लेते हैं कि आज हमारे एक्सपर्ट्स को क्या लग रहा है कि निफ्टी की चाल क्या रह सकती है, क्या यहां पर एक यूनानिमस डिसीजन आ रहा है, क्लियर डायरेक्शन दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही। फिलहाल कुश, नरेश और वैशाली से होल्ड करके रखना चाहते हैं, वो वॉच करना चाहते हैं, और संतोष को क्लियर है कि यहां से शॉर्ट साइड की ट्रेड बनता है निफ्टी पर, और कल हमने देखा भी निफ्टी पर जिस तरह से बेयरिश कैंडल बनी है, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस बनी है, तो निफ्टी थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। हालांकि एसजेएक्स निफ्टी आपको ऊपर दिखा रहा था, देखना होगा कि अब फिलहाल किस तरह की पोजीशनिंग चेंज हुई है। लेकिन बैंक निफ्टी पर भी क्या व्यू रहेगा, कल प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी पर आपको क्लियरली दिख रही थी। बैंकिंग स्टॉक्स, लार्ज कैप बैंकिंग स्टॉक क्लियरली प्रेशर में थे, और एनपीसी से पहले आज क्या यहां पर कोई ट्रेड बनता है? फिलहाल तो होल्ड है, हमारे एक्सपर्ट्स को लगता है कि अभी वॉच आउट करेंगे, और संतोष तो क्लियर है यहाँ पर भी कि आप शॉर्ट पोजीशन लें। एक बार और कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट के ट्रेड इनिशिएट करने चाहिए बेसिस ऑफ द चार्ट्स। ब्रेकआउट दे रहे हैं ये शेयर, हमने कल देखा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की हमने, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज यहां पर भी बात की थी, कल स्टॉक अच्छा चला था, नंबर्स आए थे, उसके बाद भी स्टॉक क्या अभी भी बाइंग जोन में है? तो ये आप क्या पिडिलाइट इंडस्ट्रीज अभी भी बाइंग जोन में है? खुश, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी अच्छा रनअप आया है, लेकिन इंडिकेटर सेटअप जो है ये अभी भी बता रहे हैं कि इसमें जरा सा एक अपसाइड है। हालांकि स्टॉक अपने रीसेंट हाईस के पास ट्रेड कर रहा है, तो मैं फ्रेश बाइंग की तो फिलहाल सलाह नहीं दूंगा, मैं कहूंगा कि अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ विच इज अराउंड 25-40 के जो जोन है इसके साथ इस मोमेंटम को राइड करिए। फ्रेश पोजिशन जरा सा डिप पे लेंगे तो पे ऑफ प्रोफाइल विल बी मच बेटर। ओके, इस बीच उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट्स भी देखिए, यहाँ पर अच्छी तेजी दिख रही है, नतीजे भी काफी स्ट्रांग आए हैं कंपनी के, मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली है, स्टॉक प्री ओपनिंग मूव में भी अगर हम देखें तो अच्छी तेजी दिखा रहा है। यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है कुछ, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप? जी देखिए, इसमें जो रनअप आया था उसके बाद जो इंडिकेटर सेटअप है ये हो गया है आपका ओवरबॉट टेरिटरी में, तो हो सकता है कि यहाँ से भी जिस तरह से पिडिलाइट के बारे में बात कर रहे थे, मोमेंटम तो स्ट्रांग है बट पे ऑफ रेशियो यहाँ से आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होगा। यहाँ पे आप जरा सा डिप पे बाय करिए जो आता है करीब 180 के जो जोन है इसके आसपास, अगर स्टॉक आता है तो आप बाय करेंगे तो आपका जो पे ऑफ प्रोफाइल है बेटर रहेगा। 175 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं, देन अगेन विद द टारगेट ऑफ 190-195, बट अप अंटिल देन बहुत स्ट्रांग रनअप आ गया है और जरा सा ओवरहीटिंग के संकेत हैं इसमें। जीएमएम फॉडलर या जीएमएम इंटरनेशनल ने अपनी यानी पेरेंट कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी और बढ़ाई है, जीएमएम फॉडलर अच्छी तेजी दिखा रहा है, गौरव क्या यहां आज भी मौके मिलेंगे? आई थिंक इसमें पिछले हफ्ते में एक अच्छी पुलबैक दिखाई थी जिसके बाद इस हफ्ते पिछले दो दिनों में एक करेक्शन आ रहा है, वो करेक्शन और थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है, ये स्टॉक नीचे में 1500 के लेवल्स तक आ सकता है, वहां पे इस स्टॉक में फिर से एक बार सपोर्ट है तो वहां पे फ्रेश बाइंग कर सकते हैं 1500 के लेवल पे। करंट लेवल पे अवॉइड करें, डिप पे बाय करें, और अगर आप बाय करते हैं 1500-1520 के जोन में तो स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1440-1440 का, और ऊपर की तरफ वापस एक बार मेरे ख्याल से ये स्टॉक अपने अपर बोलिंगर बैंड तक आ सकता है जो कि है करीब 1750 का, सो डिप पे बाय करें अराउंड 1500-1520 पे। चला रहेगी इस स्टॉक में गोदरेज प्रॉपर्टीज, संतोष ये वीक कैंडिडेट है क्या अब भी यहां से, अब भी फिलहाल आप एक ब्रेकडाउन ही देख रहे हैं चार्ट्स पर इसका?
गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें एक करेक्शन देखने को मिला है, हालांकि 1350-1360 के आसपास सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे मैं वॉच आउट करूंगा। 1350 का लेवल होल्ड करा है तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, पर अगर 1350 के नीचे जाता है तो शायद वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है, फिर शायद हमको 1250 के लेवल भी देखने को मिले, तो फॉर टाइमिंग इसमें कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। आईटी काउंटर्स में माइंडट्री पर ट्रेड बनता है क्या खुश? जी हाँ, काफी अच्छा एक रनअप तो ऑलरेडी यू नो आया है सारे ही आईटी पैक में, स्पेशली मिड कैप में, लेकिन माइंडट्री की पर्टिकुलरली बात करें यहाँ पे यू नो जो हम सेटअप देख रहे हैं उसके यू नो उसके हिसाब से 20 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों के ही ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका एक की रेजिस्टेंस जोन है जो करीब यू नो 3600 के आसपास निकल के आ रहा है, तो जरा सा रेजिस्टेंस के पास है। मैं कहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपनी प्रॉफिट यू नो जो अपनी पोजिशन है उसको राइड करें। 3600 के बाद इसमें एक फ्रेश अपमूव आएगा विच कैन टेक द स्टॉक टू 3800 लेवल्स एज वेल, तो फिलहाल फ्रेश पोजिशन इनिशिएट करें ओनली above you know 3600 till then ride it with a trailing stop loss of 3520. But nitrate kya ise aap buy karne ki salah denge aaj Gaurav? Sorry, one sa stop Deepak Nitrate. Hello Deepak Nitrate ji, ye bhi breakout de raha hai stock chart pe, kya ise aap buy kare, aapke liye buy zone hai ye? Dekhiye ye stock ne ek dip zarur di thi एक लास्ट टू लास्ट सेशन में जहां पे इसने अपने क्रूशियल डेली मूविंग एवरेजेस को टेस्ट कर लिया था और वहां से एक डिसेंट बाउंस आया है। बट अगर आप वीकली चार्ट देखें तो अब ये स्टॉक अपने क्रूशियल वीकली मूविंग एवरेजेस के करीब ट्रेड कर रहा है। सो 2020-2030 का क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन रहेगा, यहां पे हमें वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो रेजिस्टेंस जोन क्रॉस होता है क्या। अगर 2030 का लेवल क्रॉस होता है तो ही मैं इसे फ्रेश बिलोंग करने की सलाह दूंगा। ऊपर की तरफ 2150 का टारगेट रहेगा और इन दैट केस आप स्टॉप लॉस बना सकते हैं 1990 का, बट बाय करें 2030 के ऊपर ही। मैक्रोटेक में हमने देखा था कि वहां पर कल जिस तरह से डिप्स थे वो धीरे धीरे बॉट तो हो रहे थे, लेकिन आज कैसी चाल दिखा सकता है क्या मैक्रोटेक पे, क्या चार्ट पर आपको दिख रहा है संतोष? मैक्रोटेक की बात करें तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो रहा है, लेकिन इसका 1000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी है और एक ऐसे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी है, तो 1000 के लेवल को वॉच करना चाहिए। तो कोई ट्रेड लेना चाहे तो 990 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा एग्रेसिव लेके ट्रेड लिया जा सकता है, बाउंस बैक करता है तो 1120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बिल्कुल एब्सोल्युटली, तो मार्केट ओपन होने में बस अब कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं और आज निफ्टी जिस तरह से एसजेएक्स निफ्टी आपको दिखा रहा था 17400 के ऊपर, आपको उसी तरह की पिक्चर अभी दिखा रही है। तो यानी एसजेएक्स निफ्टी बुलिश था और साथ ही जिस तरह के आपको ग्लोबली संकेत मिल रहे थे, डाउ भले चाहे मिक्स दिख रहा हो लेकिन नैस्डैक ऊपर था और ब्रेंट क्रूड जैसे नीचे आया, तो ये आपके लिए इंडिकेशन अच्छे हैं। और बाजार में एमपीसी की बहुत अच्छा फैक्टर है प्राइस हाइक, इंटरेस्ट रेट हाइक, तो अब देख लेते हैं कि आज कौन से बढ़ने वाले सेक्टर होंगे। ओपनिंग टिक में हमें जो ओपन करते ही बाजार पे पहले टिक्स दिख रहे हैं उसमें तो आपको बढ़त जो जिन स्पेसेस पे दिख रही है वो क्लियरली आपको फिर से आज फार्मा स्पेस दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरे नंबर्स में एशियन पेंट्स पोस्ट द नंबर्स हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, लगभग 20% तक की मूव दे चुका है एक महीने में। एशियन पेंट्स आज भी तेज है, एमएनएम के नंबर्स है, नंबर से पहले 1% की तेजी है, यूपीएल अब थोड़ा बाउंस बैक करने लग गया, 1% की तेजी है। सन फार्मा और साथ ही डिविस लैब, ये दो फार्मा काउंटर्स हैं जो इस वक्त तेज दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा टाइटन के नंबर से पहले 1% की तेजी वहां है, भारती एयरटेल ये भी अब धीरे धीरे आपको बाइंग इंटरेस्ट इस स्टॉक में भी दिख रहा है। मेटल स्पेस में हम देख रहे थे हिंडालको, ये भी पिछले 2-3 दिन से अच्छी मूव एटलीस्ट स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, पुल बैक दिखा रहा है और आज भी आप वापस की तेजी देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स यहाँ पर एक न्यूज का भी ट्रिगर है, इनके वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं कॉटन कॉटन बेसिस पर, तो ये भी एक स्टॉक है जिसे आप बाइंग लिस्ट पर रख सकते हैं, इस पर भी आप व्यू आगे लेंगे चर्चा करेंगे। लेकिन बैंक्स इस वक्त कैसा परफॉर्म कर रहे हैं क्योंकि एमपी बैठक से पहले आज आरबीआई गवर्नर की स्टांस पर जरूर नजर होगी, उनकी कॉमेंट्री पर नजर होगी, तो फिलहाल अभी बैंकिंग स्टॉक्स आपको स्ट्रेंथ के साथ काम तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये स्ट्रेंथ क्या थोड़ी बहुत जिटरीनेस बाजार में आ सकती है कॉमेंट्री से पहले, क्या यहाँ ट्रेड वोलेटाइल रह सकते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन इस वक्त बैंक्स में अगर आप देखें तो वहां पर आपको लार्ज कैप बैंक्स की पार्टिसिपेशन दिख रही है और ड्रैगर्स कहां से आ रहे हैं आज, थोड़ा बाजार पर जो दबाव बना रहे हैं काउंटर्स उनको भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर ONGC से काउंटर्स सिप्ला आपको कल के मूव के बाद आज थोड़ा प्रेशर में जरूर दिख रहा है। HDFC बैंक से किसी तरह का सपोर्ट नहीं मिल रहा है और टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, तो ऑटो स्पेस थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा है, मारुति नीचे दिख रहा है आपको, रिलायंस इंडस्ट्रीज 0.5% नीचे दिखाई दे रहा है और बढ़ने वाले काउंटर्स में आपको क्लियरली जो अभी इनिशियल फेस ऑफ इट आपको दिख रहे हैं, अब सीमेंट स्टॉक्स में से अल्ट्राटेक सीमेंट भी लीड ले रहा है। स्टील काउंटर्स तेज दिख रहे हैं, JSW स्टील, टाटा स्टील, सीमेंट स्टील, ये आपको क्लियरली तेज दिखाई दे रहे हैं। इंफ्रा स्पेस से आपको L&T,
ये तेज दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कुछ काउंटर्स आपको एफएमसीजी पैक से भी तेज दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप काउंटर्स में आप क्या आइडेंटिफाई कर रही हैं पूजा? बिल्कुल, आज नतीजों का इम्पैक्ट काफी सारे स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अगर तेजी वाले शेयरों पर नजर डालेंगे तो ब्लू स्टार 5% ऊपर है, बेयर क्रॉप में 5% की तेजी है, मणिपुरम फाइनेंस की थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, नतीजे वो तो कमजोर आए थे लेकिन कॉस्ट को कंट्रोल करने की यहाँ पर मैनेजमेंट ने कोशिश की है, कॉमेंट्री अच्छी आ रही है, उस वजह से शायद हम देख रहे हैं कि 5% की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। इसके बाद हिमाद्री केमिकल्स, सोलर इंडस्ट्री, एक्जोनोबल जैसे स्टॉक हैं जहाँ पर की मजबूती आज देखने को मिल रही है मिड कैप स्पेस में। नतीजों का ही असर आज गिरने वाले शेयरों पर भी है। वेस्टर्न कॉर्प के नतीजे काफी कमजोर आए हैं, 6.5% की गिरावट यहाँ पर है। सीजी कंज्यूमर में खबर आया, आज हमने त्रिभुति स्टॉक में इसको कवर भी किया था, स्टेक सील की बात की जा रही है, 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी देखिए नंबर्स वीक आए हैं, करीब 3% की गिरावट यहाँ पर है। एलेम्बिक फार्मा के नतीजे वीक आए हैं, 3.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और गेल में भी खबरें भी नेगेटिव हैं और टारगेट जिस तरह से ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही है, टारगेट भी यहाँ पर घटा दिया गया है, उस वजह से यहाँ पर भी गिरावट इस पर देखने को मिल रही है 3% नीचे। और सुबह संतोष इसमें यहाँ पर बिकवाली की भी सलाह दे रहे थे। तो आज मिडकैप स्पेस में नतीजों का काफी ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, इस पर एक बार राय भी ले लेते हैं। वेस्टर्न कॉर्प अब देखिए 7.5% नीचे आ चुका है। संतोष, वेस्टर्न कॉर्प के चार्ट्स देख के बताइए, वीकनेस और काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है, जिन ट्रेडर्स के पास है क्या उन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक से? वेस्टर्न कॉर्प का ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी अच्छा था लेकिन ये आज के करेक्शन के बाद थोड़ा सा वीक होते दिख रहा है, बट फिर भी मैं वॉच करूंगा 200 रुपए का लेवल। अगर 200 रुपए का लेवल होल्ड करने में कामयाब हो जाता है तो शायद ये फिर से अपनी स्ट्रेंथ गेन करता नजर आएगा, लेकिन अगर ये 200 के नीचे जाता है तो फिर इससे पोजिशन से एग्जिट कर देना चाहिए। तो 200 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, तब तक बने रहे स्टॉक में। उसको भी देखे ना तो वहां पर आपको नौकरी क्लियरली यहाँ पर तो लगे अंडर परफॉर्म की रेटिंग है सिटी की तरफ से, लेकिन नौकरी आप पिछले 3-4 दिनों से देखेंगे अच्छा चल भी रहा है। वहां पर आप देखेंगे 1% की तेजी है, अदानी एंटरप्राइज इस वक्त आपको तेज दिख रहा है और अब तो मणिपुरम फाइनेंस भी आपको तेज दिखाई दे रहा है। ऑन द फेस ऑफ इट कुछ कैसी दिख रही है मार्केट्स, कौन से सेक्टर्स क्लियरली इमर्ज हो रहे हैं, क्या फाइनेंस बैंक्स यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवर होते हुए दिख रहे हैं? जो हम लोग जो यू नो ओपनिंग हुई है ये काफी एनकरेजिंग है, निफ्टी ओपन हुआ है, माइनर डिप है और व्हाट इज एनकरेजिंग इज कि अगर मैं यू नो वॉचलिस्ट देखूं तो उसमें बहुत सारा यू नो ग्रीन ही दिख रहा है, देयर इज ऑब्वियसली मोर ग्रीन देन रेड। देयर आर पॉकेट्स जहां पे यू नो एक अच्छा अपमूव आ रहा है, टाइटन जिसकी हम सुबह बात कर रहे थे उसमें यू नो ओपनिंग अच्छी हुई है एंड देन यू नो द स्टॉक्स गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ। तो ऐसे कुछ यू नो काउंटर्स पे नजर रखिए, केईआई इंडस्ट्रीज जिसका हमने सुबह जिक्र किया था, तो पॉकेट्स हैं जहां पे एक अच्छा मोमेंटम है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप हो सकता है आज के मार्केट में आउट परफॉर्म करें एटलीस्ट टिल द टाइम द आरबीआई पॉलिसी इज आउट। तो ये पॉकेट्स हैं जहां पे डेफिनेटली यू नो नजर रखी जा सकती है। और सीमेंट ये क्लियरली आपको दिख रहा है, स्टील पर एक्सपोर्ट ड्यूटी पर रोल बैक या रिव्यू की लगातार बात चल रही है, उसका आपको इंपैक्ट क्लियरली दिख भी रहा है। आप स्टील काउंटर्स देखें, साथ ही आप सीमेंट काउंटर्स भी देखें, वहां पर भी अच्छे मूव दिख रहे हैं। सीमेंट काउंटर में कोई बेट लेंगे आप गौरव? जी हाँ, मेरे ख्याल से सीमेंट काउंटर्स में से अगर हम श्री सीमेंट देखते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है, एक ट्रायंगुलर पैटर्न भी बन सकता है और फिलहाल ट्रायंगुलर पैटर्न के लोअर एंड के करीब ट्रेड कर रहा है, साथ ही साथ डेली एवरेजेस का भी सपोर्ट है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा अगर फ्रेश लॉन्ग करना चाहें तो स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप 20,400 के नीचे और ऊपर की तरफ 21,750 का फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकेंड टारगेट रहेगा 22,500 का। ठीक है, तो देखिए फाइनेंस सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट्स तो कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और टेक्नोलॉजी स्पेस पे भी बहुत एक्टिवली ट्रेड तो हो रहा है इस वक्त। अगर आप फाइनेंस स्पेस के ही सिर्फ एडवांसेस को देखें ना तो लगभग 80% एडवांसेस आपको फाइनेंस स्पेस में दिखाई दे रहे हैं और फर्टिलाइजर पैक पे आज थोड़े शॉर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। एनर्जी पैक को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दे रहा, रिलायंस इस वक्त अल्ट्रैक बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहा है या फिर लॉन्ग अनवाइंड ही हो रहे हैं वहां पर। फाइनेंस काउंटर्स अब डेरिवेटिव स्पेस में आपको मणिपुरम फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, ये तीनों पहले बड़े काउंटर्स है, पिक्चर तो अलग ड्रॉ हो रही है। संतोष, फाइनेंस काउंटर्स में से आपको क्या पसंद आ रहा है? मेरा फाइनेंस काउंटर से है लेकिन मेरा दूसरा स्टॉक है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ स्टॉक, इसका आप देखें तो बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आते नजर आ रहा है। स्टॉक में एक 570 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, उसको क्रॉस किया है, मुझे लगता है जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, स्टॉक धीरे धीरे 600 रुपए की ओर भी बढ़ सकता है, तो स्टॉक पर नजर रखना चाहिए, 569 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा।
ओके ठीक है, तो ये रहा आपको स्टॉक में दे दी गई। आज हम देख रहे हैं इंश्योरेंस स्पेस में भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में तेजी दिखाई दे रही है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखिए 3% ऊपर है, एचडीएफसी लाइफ में भी एक अच्छी तेजी आई है 1% ऊपर, यहाँ पर कारोबार हो रहा है। एसबीआई लाइफ में भी एक तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। गौरव, क्या व्यू बन रहा है आपका लाइफ इंश्योरेंस स्पेस पर? यहाँ पे मेरे ख्याल से एक डिसेंट बाउंस की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल डिस्कस ऑलरेडी हमने कर लिया है, वो डेफिनेटली पॉजिटिव लग रहा है। साथ ही साथ मुझे लग रहा है कि एचडीएफसी लाइफ भी एक काउंटर है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक बाउंस के बाद डिप आई थी इस हफ्ते में, और इसके बाद अब स्टॉक एक डिसेंट बेस बना चुका है अपने आर्ली चार्ट पे। 530-535 का सपोर्ट जोन था जहां पे एक बेस फॉर्मेशन करने के बाद आज स्टॉक नई मूव स्टार्ट कर रहा है ऊपर की तरफ। सो मेरा मानना है कि ये स्टॉक आने वाले समय में 560 और 580 इन लेवल्स तक जा सकता है, तो यहां पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 526 का। ऑल राइट, इस वीक बर्जर पेंट्स देखे, कल नतीजे आए हैं और नतीजों के बाद ज्यादा कुछ एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, स्टॉक सपाटी है। हालांकि शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन इस वक्त सपाटी यहां पर कारोबार देखने को मिल रहा है, 670 के आसपास यहां पर ट्रेड दिख रहा है बर्जर पेंट्स में। कुछ बर्जर पेंट्स में क्या कोई ट्रेड देख रहे हैं आप, धीरे धीरे स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है? में एक बाय ट्रेड बनता है, हालांकि इसका जो एक रेजिस्टेंस है वो 690 के आसपास आ रहा है, बट अगर आप ट्रेडिंग बेट लेना चाहें तो दैट इज आल्सो अ गुड 3% अप फ्रॉम हियर। जो ये डिप आया है इंट्राडे के बेसिस पे, इसको आप एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए करीब 668-665 के जो जोन है, यहाँ पे स्टॉक का मोमेंटम काफी अच्छा है। क्रूड में जो हम फॉल देख रहे हैं वो सेंटिमेंटली एंड प्रैक्टिकली भी इसमें डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है, तो वो एक रब ऑफ बिल्कुल रहेगा। और ट्रेंड सेटअप भी इसका पॉजिटिव है, इंडिकेटर्स भी एक अच्छा अपसाइड सजेस्ट कर रहे हैं, तो इमीडिएट बेसिस पे 690 के टारगेट्स के लिए आप बर्जर पेंट्स में एंट्री ले सकते हैं। अब इस वक्त जिस तरह की फाइनेंस काउंटर्स आपको मूव दिखा रहे हैं, मैक्सिमम शॉर्ट कवरिंग आपको दिख रही है फाइनेंस स्पेस में, ऑन द फेस ऑफ इट तो लग रहा है कि बाजार बहुत हद तक रेट हाइक को डाइजेस्ट भी कर चुका है और शायद बुलिश कमेंट्री का अब इंतजार कर रहा है। व्हाट इज योर व्यू सुशील? जी हाँ, तो जैसा मैंने पहले अजय को भी कहा कि मेरा भी यही व्यू है कि आगे जाके आगे चलते हुए मुझे लगता है कि एक पॉज बरकरार रहेगा और थोड़ा कमेंट्री बुलिश रह सकता है आरबीआई की साइड से, क्योंकि जो भी उनको लग रहा था कि जो चलने उनके लिए रेट पॉज के लिए जो भी उनको बाधाएं दिख रही थी वो मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे क्लियर हो रही है। सो आई थिंक ओनली कंटेंशन भी कि अगर फेड ने कंटिन्यूएशन में रखा एग्रेसिव रेट हाइक्स, तो बिकॉज क्योंकि यूएस भी रेट हाइक कर रहा है तो इंडिया शायद कुछ हद तक थोड़ा बहुत रेट हाइक करे, बट डोमेस्टिक कंडीशंस को देखते हुए अभी फिलहाल मुझे लगता नहीं कि रेट हाइक्स की कुछ जरूरत रहेगी आगे चलते हुए। तो मैं भी यही व्यू रखता हूँ कि कॉमेंट्री काफी बुलिश रहनी चाहिए आरबीआई की तरफ से, और आई थिंक रेट हाइक में पॉज रहना चाहिए। ठीक है, ऑल राइट, तो कमेंट्री बुलिश हो सकता है कि रेट हाइक में आप तो पॉज मान रहे हैं, ठीक है, और यूएस के रेट हाइक को देखकर आरबीआई का स्टांस उसी तरह का होना चाहिए, मिरर इमेज होनी चाहिए, वो नहीं सोचना चाहिए। वहां कंडीशंस अलग है, यहाँ कंडीशंस अलग है, बिल्कुल। लेकिन इस बीच आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो अच्छे मूव दिखा रहे हैं? थॉमस कुक, यहाँ 7.5% की तेजी आपको दिख रही है। इनफैक्ट सारे ओपन अप थीम के स्टॉक्स आप देखें, पीवीआर के जैसे स्टॉक को देखें, यहाँ पर आपको अच्छे मूव दिख रहे हैं, क्या इस स्पेस से कुछ आपको पसंद आएगा खुश? जी हाँ, देखिए थॉमस कुक तो डेफिनेटली अच्छा कर ही रहा है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और फॉलो थ्रू बाइंग दे रहा है, विच इज एक्चुअली वेरी एनकरेजिंग साइन। इसमें भी आप 80 के इमीडिएट टारगेट्स के लिए एंट्री बना सकते हैं। एक स्टॉक जो मुझे पसंद आ रहा है और मैं काफी समय से इस पे बुलिश रहा हूँ, विच इज फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अबाउट 100 रुपीज, वो है आरबीए रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। बहुत ही ग्रेजुअल मूव है, इनफैक्ट ये इतना ग्रेजुअल और सटल मूव है कि किसी बड़े मोमेंटम वाले रेडार पे नहीं आएगा, किसी हाई डिलीवरी वाले रेडार पे नहीं आएगा, बट इफ यू सी इन द पास्ट मंथ एंड हाफ द स्टॉक इज एक्चुअली जम्प्ड नियरली अबाउट 50%, 80 के लेवल से 120 आ गया है, विच इज क्वाइट फिनोमिनल। तो ग्रेजुअल अप मूव है, अब ये अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास आया है, उसे ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है। यहां से अगर स्टॉक अपने जो 200 मूविंग एवरेज विच इज वेरी क्लोज 123-124 के लेवल्स पे ही है, इसके ऊपर क्लोजिंग देता है,
तब यहाँ पे एक और बड़ी अपमूव देख सकते हैं जो 140 के टारगेट तक लेके जा सकता है स्टॉक को। तो रेस्ट्रो ब्रांड एशिया मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, अच्छा रनअप है, इसमें आप एग्जिस्टिंग पोजिशन ली हुई है तो बिल्कुल मेंटेन करिए, वरना आप पोजिशन एड भी कर सकते हैं 117 का स्टॉप लॉस और इमीडिएट बेसिस पे 130 के टारगेट के लिए। अजय आप कितना अच्छा 3D इफेक्ट पूरा आ रहा है, ऐसा लग रहा है हम वर्चुअली करेक्ट, ऐसा लग रहा है हम खुद अंदर जा रहे हैं और खुद आज ऑफलाइन सुनेंगे उन्हें कि आज वो क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, हम तो खैर कवर ऐसे ही करेंगे कि हम जो है गवर्नर साहब के माइंड को रीड करने की कोशिश करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे। काफी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सनैलिटी तो उनकी है ही, बाजार तो ये देखना चाहेगा। और ये RBI हेडक्वार्टर्स है जो पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, और शक्तिकांता दास एक आधे पौन घंटे के अंदर अपनी कमेंट्री स्टार्ट करेंगे। लेकिन मीनवाइल बाजार बहुत एक्टिव हो रहा है। अगर आप देखें बैंक निफ्टी डेज हाई पे है अहेड ऑफ द पॉलिसी, ये आपको कहीं ना कुछ बता रहा है कि बैंक निफ्टी तैयारी कर रहा है एक ग्रोथ ओरिएंट। ये देखिए ऑलमोस्ट 38,000 हमने आपको सुबह ये लेवल बताया था, तो बाजार डेज हाई पे लेड बाय बैंक निफ्टी। बॉन्ड यील्ड्स को लेके आइए हिमांशु जरा, बॉन्ड यील्ड्स सॉफ्ट होनी चाहिए। PSU बैंक इंडेक्स भी डेज हाई पे, ये इंटरेस्टिंग है। टायर स्टॉक्स पर डिस्कशन नहीं हुआ सुबह से, एक बार अपोलो टायर्स को लेके आइए, सीएट चला हुआ है और ये देखिए 7.1 गजब, ये 7.65 पे थी लास्ट पीक पेसिमिज्म जब था, जब पीक हॉकिश कमेंट्री आई थी गवर्नर साहब से और एक सरप्राइज रेट हाइक आया था, उस समय 7.65 थी यील्ड, इस समय 7.1 पे आ गई है। Correct. और ये आपको हम लगातार बता रहे हैं लास्ट कुछ हफ्तों से, ये लॉन्ग साइड है बैंक निफ्टी ट्रेड करने का ट्रिगर होता है। करेक्ट, और बैंक निफ्टी समय डेज हाई पे। लेकिन मैं अपने व्यूअर्स को अपोलो टायर्स की तरफ ले जाना चाहूंगा। टायर पैक में अपोलो टायर्स बहुत ज्यादा चला नहीं है, और अब जो है जिस हिसाब से क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार गिरावट आ रही है टायर स्टॉक्स पे, सुशील आपकी क्या राय है? एक तो ये कैटेगरी हो गई JK टायर, अपोलो टायर और सीएट चल चुका है, दूसरा बालकृष्णा ऑफ रोडिंग टायर्स, बहुत दिनों बाद उसमें एक अच्छा रिजल्ट आया है, वरना यूरोप के चक्कर में उनका बिजनेस बहुत हिट हुआ था, आपका व्यू है इस पर? मुझे लगता है कि यूरोपियन सेल्स एक बाधा है ऑटो के लिए आगे जाते हुए, इसलिए ऑटो एंसरी कंपनीज को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट डोमेस्टिक और दूसरी कंट्रीज जैसे US वगैरह है वहां पर मुझे लगता है कि ऑटो सेल्स स्ट्रांग रहेंगी और बरकरार रहेंगी। तो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनी जैसे अपोलो टायर्स हैं वहां पर मुझे लगता है, या फिर डोमेस्टिक ज्यादा फोकस है जैसे MRF है, तो मुझे लगता है ये दो कंपनीज है जहां पर निवेशक बुलिश रह सकते हैं आगे जाते हुए, बिकॉज जैसे आपने सही कहा कि मार्जिन जो है वो यहाँ से बढ़ने के काफी हद तक चांसेस हैं, और सेल्स में सिर्फ यूरोप एज अ कंट्री आई थिंक वो थोड़ा एक इशू रह सकता है आगे जाते हुए भी, बट उसके अलावा दूसरी कंट्रीज में लैटिन अमेरिका में, अमेरिका में, US में जैसे कहा, और डोमेस्टिक इंडिया में मुझे लगता है कि डिमांड काफी अच्छी है, तो मुझे लगता है ये ठीक ठाक कर सकते हैं यहाँ से। ये तो हो गया टायर पे कॉल। गौरव अगेन दूसरे भी जो आपके क्रूड प्राइस के नीचे आने के बेनिफिशियरी है, पी डिलाइट, एशियन पेंट, बर्जर, इन सब में आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा नजर आया? देखिए डेज हाई पे है इस समय पी डिलाइट भी, ऐसे देखा जाए तो ये सारे स्टॉक ऑलरेडी काफी हद तक चल चुके हैं, बट फिर भी पीडी लाइट की अगर मैं बात करूं तो आज एक फ्रेश मोमेंटम दिख रहा है इसमें, और एक क्रूशियल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है जो 78.6% रिट्रेसमेंट है इसके प्रीवियस डिक्लाइन का, यानी जनवरी से लेकर के जून तक का जो पूरा डिक्लाइन था उसका 78.6% रिट्रेसमेंट था करीब 2598-2600 के आसपास, और उस लेवल को पीडी लाइट फिलहाल क्रॉस करके उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो अगर आज उसके ऊपर क्लोजिंग देता है 2598 के ऊपर आज अगर क्लोजिंग देता है तो हम ये फ्रेश मोमेंटम को आने वाले हफ्ते के लिए कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, और जिसके चलते ये स्टॉक जो है वो 2700 और 2760 तक की अपसाइड दिखा सकता है। सो यहाँ पे ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, और क्रूशियल लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है इंट्राडे बेसिस पे, बस एक एंड ऑफ द डे कंफर्मेशन बाकी है जिसके चलते हम और अपसाइड देख सकते हैं पीडी लाइट के अंदर। संतोष, एजुकेशन स्टॉक्स कुछ दिन से एक्टिव हैं, नवनीत एजुकेशन के रिजल्ट भी अच्छे आए थे, एक्टिव है, आज थोड़ा नीचे आया 128 के आसपास। इवन वरांडा लर्निंग जो रिसेंट IPO है, आज उसका सर्किट फिल्टर चेंज हुआ, वहां भी एक्शन दिखाई दे रहा है। आप जरा चार्ट पर देख के बताएंगे संतोष, वरांडा, नवनीत।
नवनीत एजुकेशन मेरे रेडार पे भी है, मुझे लगता है इसमें फ्रेश एक्सपेंशन फेज शुरू हुआ है। इस स्टॉक ने कल अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल 121 को क्रॉस किया और कल शायद आपने डिस्कस भी किया था कि गवर्नमेंट कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट कर सकती है, सो इसके लिए एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहेगा। स्टॉक शायद 175 और 200 तक के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले कुछ समय में, तो मेरा व्यू इस पर काफी बुलिश है। नीचे मेरे हिसाब से 120 अब इसके लिए अच्छा सपोर्ट काम करेगा। वेरांडा का चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ज्यादा लुक्रेटिव नहीं है, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, तो 240 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है पोजिशनल बेसिस पे। ऊपर में 310 तक के टारगेट इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। 310 के ऊपर निकलता है तो शायद इसमें अच्छा और मोमेंटम बन सकता है। मिड कैप स्टॉक्स की तरफ नजर डालिए, लेमन ट्री आज ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ एक्टिव नजर आ रहा है। गौरव, होटल स्टॉक्स के नंबर्स भी अच्छे हैं, इंटरेस्ट भी है, टेलविंड है। लेमन ट्री आज 8% पहले 10 मिनट में भाग गया, कहीं बाइंग हो रही है इसमें? चार्ट्स पे क्या लगता है? जी डेफिनेटली अजय जी, लेमन ट्री की अगर हम बात करें तो आज काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस को क्रॉस कर चुका है ये। बेसिकली 71.50 का क्रूशियल रेजिस्टेंस था, जहां पे हम देख सकते हैं कि अप्रैल में और जून में इन दोनों महीनों में जाके स्टॉक इन्हीं लेवल पे जाके अटका हुआ था, लेकिन आज के सेशन में ये स्टॉक 71.50 का रेजिस्टेंस जोन क्रॉस कर चुका है और कंफर्टेबली ट्रेड भी कर रहा है। और वॉल्यूम की भी अगर हम बात करें तो पिछले दो दिनों से अच्छा वॉल्यूम भी है, जो दिखाता है कि ये जो मूव है वो हायर लेवल पे सस्टेन होने की अच्छी खासी प्रोबेबिलिटी भी है। डेली मोमेंटम इंडिकेटर एक न्यू नया साइकिल स्टार्ट कर चुका है, वीकली मोमेंटम इंडिकेटर भी इस हफ्ते फ्रेश बाय सिग्नल दे सकता है। सो ये सारे संकेत है कि लेमन ट्री आने वाले हफ्ते में सस्टेन अपसाइड दिखा सकता है। 80 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक से दो हफ्ते के अंदर, और नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं 69 का। सुशील, कल वोडाफोन के मैनेजमेंट ने कॉमेंट्री दी कि टैरिफ हाइक का समय आ गया है, वोडाफोन नहीं भारतीय लेके, लेकिन जो टैरिफ हाइक की सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है वो एक्चुअली जियो और भारती हो जाते हैं, आपको ये स्पेस कैसी लगती है? देखिए, मुझे ये स्पेस में अगर जो अभी स्पेक्ट्रम के इन्वेस्टमेंट्स अगर हो जाए और उसके बाद जो 5G एक्सपेंशन जैसे दूसरी कंट्रीज में देखें वो थोड़ा स्लो रहा है, बट इंडिया में आपने देखा है कि 4G एडॉप्शन भी काफी फास्ट था, तो मुझे लगता है कि 5G एडॉप्शन भी इंडिया में दूसरी कंट्रीज के मुकाबले थोड़ा बेटर होगा। मुझे लगता है कंजम्पशन, अगेन ये भी एक कंज्यूमर रिलेटेड सेक्टर है, मुझे लगता है कि डिमांड काफी स्टेबल है। इनके लिए, इन कंपनीज के लिए सबसे बड़ा इशू यही रहा है कि कंपटीशन के चलते इनके आरपूस हमेशा कम रहे हैं, जैसे इनको अगर टैरिफ बढ़ाने हैं तो ये बढ़ा नहीं पाए हैं वक्त पर, बट अब वो सारी चीजें जो हैं वो पीछे रह गई हैं और अब काफी कंपनीज जो हैं इस सेक्टर्स में से निकल चुकी है, नया कंपटीशन कुछ आ नहीं रहा है। अब सिर्फ सब रिलायंस और भारती सबसे बड़े प्लेयर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा 5G की तरफ उसको देखते मुझे लगता है कि बिकॉज 5G एक कॉस्टली इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसको कवर करने के लिए और मार्जिन बरकरार रखने के लिए इन सभी कंपनीज को, यानी इन दोनों कंपनीज को टैरिफ हाइक की जरूरत जरूर रहेगी। और आगे चलते क्योंकि डिमांड स्टेबल है और कंजम्पशन भी स्टेबल है, अगर आप देखेंगे तो डेटा कंजम्पशन काफी स्टेबल है, काफी पिछले 2-3 सालों से इनफैक्ट ग्रोथ ही रहा है डेटा कंजम्पशन में, तो मुझे लगता है कि आगे जाके आप आरपूज बढ़ते हुए देख सकते हैं इन कंपनीज के लिए। और काफी टाइम करेक्शन भी हो चुका है, फॉर एग्जाम्पल भारतीय एयरटेल अगर आप देखें तो 550 से 700 के बीच या 750 के बीच काफी हद तक रहा है स्टॉक, ऑलमोस्ट 5 to 5.5 times EV/EBITDA पे ट्रेड कर रहा है और वो उसका एक एवरेज मल्टीपल रहा है। मुझे लगता है ये अभी भी बुलिश मल्टीपल नहीं है, तो अगर टैरिफ हाइक्स आगे बढ़ते रहे और चलते रहे तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये कंपनी अपने बुलिश मल्टीपल की तरफ जा सकती है, तो यहाँ से करीबन 15 से 20% का अपसाइड स्टॉक में जरूर आ सकता है। फिर आप क्या दिलवा रहे हैं अभी अपने क्लाइंट्स को मिड कैप एंड ऑफ द बास्केट में? सो हमारे कुछ पिक्स हैं मिड कैप्स में, एक जो पहला मेरा पिक है वो कंजम्पशन रिलेटेड रिटेल रिलेटेड स्टॉक है शॉपर स्टॉक। ये कंपनी जो है ये काफी चीजें चेंज कर रही है, एक नए मैनेजमेंट एंड नए MD CEO के अंडर में इन्होंने अपना फोकस जो है टोटली ओमनी चैनल पे कर दिया है। अगर आप देखें तो नाइका जो है वो एक ऑनलाइन प्लेयर है लेकिन वो ऑफलाइन स्टोर्स बना रहे हैं, शॉपर स्टॉप जो है वो एक ऑफलाइन प्लेयर था जो अब
ऑनलाइन की तरफ भी फोकस कर रहा है, तो डिजिटल और ऑनलाइन जो ग्रोथ है इनके लिए काफी अच्छी रही है। तो उसके अलावा इन लोग प्राइवेट ब्रांड्स पे भी फोकस कर रहे हैं। सो जो प्राइवेट ब्रांड्स है वो अगेन अगर आप देखें तो रेमंड हो या कोई और ABFRL हो, उनके प्राइवेट ब्रांड्स जो है वो ज्यादा मार्जिन बनाते हैं। तो शॉपर्स स्टॉप ने भी अपने प्राइवेट ब्रांड्स लॉन्च किए हैं अपैरल्स में, ब्यूटी में, कॉस्मेटिक्स में, जो मुझे लगता है आगे जाके मार्जिन को सपोर्ट करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि जो स्टोर्स थे इनके, जो टीयर वन स्टोर्स थे सिटी में, जो स्टोर्स थे वो काफी हद तक बड़े स्टोर्स थे। अब जो ये कर रहे हैं फोकस वो टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में कर रहे हैं, और जहां पर वो स्टोर एक्सपेंशन जो हो रही है वो थोड़े छोटे स्टोर्स को ले रहे हैं। जैसे अगर उनका एवरेज स्टोर साइज 40,000 से 50,000 स्क्वायर फीट होता था, तो अब वो 25,000 से 30,000 स्क्वायर फीट के स्टोर्स ओपन कर रहे हैं, जिनकी वजह से एक तरह का एक ऑपरेटिंग लिवरेज जो आता है वो इस कंपनी को आ रहा है। चौथा पॉइंट है ब्यूटी और कॉस्मेटिक्स, जो अगेन एक हाई मार्जिन बिजनेस है। नायका अपना काफी हद तक सेल्स ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को लेके दिखाता है। अगर आप इनके मार्जिन्स देखें इस कंपनी के, तो ये ABFRL और नायका से थोड़े बेटर हैं, रिटर्न रेशियोज कंपेरेबल हैं। लेकिन जब आप वैल्यूएशन देखें तो शॉपर शॉप एक्चुअली अभी 1.5 टाइम्स सेल्स पे ट्रेड कर रहा है, जबकि नायका ऑलमोस्ट 10 टाइम्स सेल्स पे ट्रेड कर रहा है और ABFRL ऑलमोस्ट 4-5 टाइम्स सेल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो एक रीरेटिंग की गुंजाइश है यहाँ पर, बिकॉज ग्रोथ और टॉपलाइन को चलते मुझे लगता है ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है। अगर आप इस क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो आप देखेंगे कि उनके रिजल्ट काफी अच्छे रहे हैं, तो मार्जिन एक्सपेंशन जो है वो अभी पॉसिबल है, और उसके चलते प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट 25-30% यहाँ से हो सकती है। ये कंपनी ने कोविड के चलते थोड़े लॉसेस किए, लेकिन पिछले क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट दिखाया और ये साल भी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मुझे लगता है आगे चल के इसमें एक तरह की रेटिंग पॉसिबल है, और ये स्टॉक मुझे लगता है 2-2.5 टाइम सेल्स पे ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ से 30-50% तक का अपसाइड पॉसिबल है इस स्टॉक। तो कंज्यूमर रिलेटेड ये एक, रिटेल रिलेटेड ये एक स्टॉक है जो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, विच इज सुप्रजीत इंजीनियरिंग। सुप्रजीत इंजीनियरिंग में काफी समय से ये कंपनी ने एक्विजिशंस कर करके अपनी ग्रोथ दिखाई है। इन्होंने करीबन लास्ट ईयर दो अच्छे एक्विजिशंस किए हैं। एक है वेस्कॉन, जो उन्होंने एक नॉन ऑटो केबल सेगमेंट में काफी एक्वायर किया है, जो उनको यूएस और यूरोप की तरफ सेल्स के लिए और ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। दूसरा, इन्होंने एक लाइट ड्यूटी केबल्स का बिजनेस अक्वायर किया है, जो उनको यूरोप, मैक्सिको, चाइना कंट्रीज के अंदर एक्सपोजर देगा। इस कंपनी का जो ये कंपनी केबल्स बिजनेस में और ऑटो केबल्स बिजनेस में इंडिया में लीडर है। इनका मार्केट शेयर काफी हाई है, ऑलमोस्ट 55-60% मार्केट शेयर है केबल्स बिजनेस में, और इन्होंने अभी ऑटोमोबाइल केबल्स बिजनेस में इंडिया और आउटसाइड इंडिया, यूएस और यूरोप में काफी फोकस किया है, और वहां पर काफी इनको सेल्स में बढ़ोतरी दिखी है। नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस और लाइट ड्यूटी केबल बिजनेस है जो वो ट्रिगर पॉइंट्स इस कंपनी के लिए आते जाके हैं। इनका एक लाइटिंग बिजनेस भी जो है वो फिलिक्स लैंप्स का बिजनेस इन्होंने एक्वायर किया था, जो हेलोजन लाइटिंग का बिजनेस है, वो एक्चुअली उनको सिर्फ आफ्टर मार्केट बिजनेस में थोड़ा हेल्प करेगा, बिकॉज पूरा जो नए ऑटोमोबाइल्स हैं उनका फोकस LED लाइटिंग की तरफ है। तो हेलोजन लाइटिंग थोड़ी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, बट कंपनी का ये मानना है कि एटलीस्ट हेलोजन लाइटिंग में ये सबसे बड़े प्लेयर्स हैं एशिया में, और ग्लोबली भी आई थिंक नंबर 2 या नंबर 3 प्लेयर्स हैं हेलोजन लाइटिंग में। तो उनका मानना यह है कि आफ्टर मार्केट में इनकी सेल्स बरकरार रहेगी, तो उस बिजनेस पे ये काव आउट नहीं कर रहे, थोड़ा एलईडी भी लाइटिंग बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ी ग्रोथ एलईडी लाइटिंग से आएगी, बट जो उनका मेन बिजनेस है, जो कैश बिजनेस है, वो जो कैश जनरेटिंग बिजनेस है वो है केबल्स बिजनेस, और वहां पर इनकी काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। और जो ये दो एक्विजिशन उन्होंने पिछले साल किए हैं, या इस साल जो LDC बिजनेस लाइट ड्यूटी केबल्स का बिजनेस का एक्विजिशन किया है, उससे इनको ऑटोमोबाइल और नॉन ऑटोमोबाइल केबल्स बिजनेस में आउटसाइड इंडिया काफी मार्केट शेयर मिलने की गुंजाइश है। तो ये एक और स्टॉक है जो फॉरवर्ड पी पे ऑलमोस्ट 13-14 टाइम पे ट्रेड कर रहा है, और क्योंकि हम ऑटो सेक्टर पे भी काफी बुलिश हैं, इसलिए ऑटो एंसिलरी मुझे लगता है कि ये एक कंपनी है जो काफी अच्छा कर सकती है, और यहाँ से इसमें भी 30-40% की अपसाइड पॉसिबिलिटीज हैं इस साल। तीसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है वो एक बहुत ही माइक्रो कैप
स्टॉक कह सकते हैं, ये फर्टिलाइजर स्पेस में है, जो है एप्को पेस्टिसाइड्स। इस कंपनी की खासियत ये है कि इन्होंने जो फोकस किया है अपने बिजनेस के ऊपर वो है पूरा टेक्निकल्स को लेके। टेक्निकल्स बेसिकली जो आप आप कह सकते हैं एक तरह से जैसे फार्मा में इंटरमीडिएट्स होते हैं, वैसे ही एग्रोकेमिकल्स में टेक्निकल्स जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनको लेकर इन्होंने काफी फोकस किया है प्रोडक्ट्स को लेके। तो इनके जो दो प्रोडक्ट्स हैं ट्राकोपेरिन और बायफेंथ्रिन, ये काफी बड़े प्रोडक्ट्स हैं ग्लोबली और इनको हाल ही में डोमेस्टिक एग्रोकेमिकल लार्ज कंपनी से सप्लाई ऑर्डर मिला है। तो इनकी स्टोरी ऐसी है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में एक अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, जिसकी वजह से इनका लगभग सालाना 100 से 125 करोड़ का सेल्स एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। टोटल टॉप लाइन इस कंपनी की लगभग 300 करोड़ के करीब है, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन जो इंडिया में किए हैं वो अब लैटिन अमेरिकन कंट्रीज और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में भी प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन इन्होंने सेम प्रोडक्ट के लिए इन लोग रजिस्ट्रेशन ट्राई करें। एक बार इनका अगर अप्रूवल आ जाता है किसी और कंट्री के तो इनके लिए एक पोटेंशियली एक मार्केट ओपन हो सकता है, जहां पर एक कोई बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी ब्राजील की या फिर यूरोप की इनको एक ऑर्डर दे सकती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए फॉर द सेम टेक्निकल, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में काफी अच्छी बढ़त आ सकती है। कंपनी ऑर्गेनिकली भी काफी अच्छा ग्रो कर रही है, ऑलमोस्ट 25 से 30% का टॉप लाइन ग्रोथ इसमें रहा है। जैसे मैंने कहा कि इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर है जो इनको 2021 में मिला है, जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से इनका टॉप लाइन जो है वो करीबन 30 से 35% से ग्रो करेगा। उसके अलावा अगर इनको एक एडिशनल रजिस्ट्रेशन मिले तो मुझे लगता है कि बाहर के मार्केट से भी इनको अच्छा एक पोटेंशियल ग्रोथ दिख सकता है। तो टॉप लाइन अगले 2 साल में डबल हो सकती है और बॉटम लाइन मोर देन डबल हो सकती है। ठीक है, चलिए। तो ये तीन इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक्स आप जो बता रहे हैं, एक बार वेरी क्विकली क्योंकि पॉलिसी से पहले हमारा मेगा पैनल भी हमसे जुड़ जाएगा 9:45 से, वेरी क्विकली फटाफट से आपको एलएससी हाउसिंग फाइनेंस के जो नंबर्स आए उसके बाद हमने कंपनी के एमडी और सीईओ वाई विश्वनाथ गौड़ जी से बात भी की थी, आइए उनका एक रिएक्शन भी सुन लेते हैं कि उनको अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में मजबूत डिमांड दिख रही है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने हाईलाइट की। ओरिजिन के बारे में एक क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा हो गया है, बट आगे क्वार्टर्स में डेफिनेटली देर विल बी रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट एंड मोर इट बी स्टेबल मोर और लेस फॉर द होल ईयर। द प्रोविजन व्हाट वी आर मेकिंग नाउ विल बी स्टेबल एवरी क्वार्टर वाइज ऑलमोस्ट ऑल। दिस क्वार्टर डिमांड वॉज गुड कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर फर्स्ट क्वार्टर, रियली नियरली 80% ग्रोथ वी हैव शोन cross in the individual home loan segment is still better, and in the days to come also definitely in the current year we are very optimistic that demand will be at least to the range of 15% in the home loan sector, and the overall there should be at least 12-15% we expect growth in our disbursement in the current year full financial year। आइए चलते हैं, आपको दिखा दें कि बॉन्ड यील्ड जो है जो फ्लैश हो रही है पिछली पॉलिसी मीट से इस पॉलिसी मीट के बीच में काफी ज्यादा करेक्ट हो गई है, इसलिए बैंक निफ्टी को लेके आई है इंटरडे। बैंक निफ्टी इस समय डेज हाई की तरफ आ गया है, 38,000 के आसपास आ गया है। बॉन्ड यील्ड 7.13 है, आपको याद होगा पीक टाइम पे बॉन्ड यील्ड करीब करीब 7.65% तक चली गई थी। तो इसका कूल होना बैंक स्टॉक्स के लिए और पीएसयू बैंक इन पर्टिकुलर, जरा पीएसयू बैंक के गेनर्स को लेके आई है एसबीआई और दूसरे स्टॉक। एक एक बार बैंक निफ्टी पे लेवल्स ले लेते हैं, अगर वाकई में थोड़ी कॉमेंट्री ग्रोथ ओरिएंटेड और अगर आरबीआई गवर्नर ने वाकई अपना स्टांस थोड़ा हॉकिश से कूल डाउन किया, थोड़ा नॉर्मलाइज किया, बैंक निफ्टी पे क्या लेवल्स बन सकते हैं गौरव? जी अजय जी, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी जो है वो 38,000-38,200 का काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वहीं पे आके आज भी सेलिंग प्रेशर थोड़ी बन रही है। तो मेरा मानना है कि जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं होते हैं, 38,200 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाता है, तो यहाँ बाय करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर कोई एग्रेसिव ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस 38,200 के ऊपर लगा के एक बार शॉर्ट साइड पे ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे में 37,400-37,300 पे सपोर्ट है, सो वहां पे प्रॉफिट भी बुक कर लेना चाहिए। सो ये एग्रेसिव ट्रेडर के लिए शॉर्ट साइड की सलाह होगी, अगर बाय करना है तो मेरे ख्याल से 38,200 के पहले नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। तो ये कुछ कमेंट्स है, फटाफट से कुछ और स्टॉक्स पे देख लेते हैं जहां एक्शन आपको आज अच्छा दिख रहा है। अब आप डेल्टा कॉर्प को भी देखेंगे, वहां भी 3.5% की तेजी दिख रही है, क्या ये और मूव सिखा सकता है कुछ?
जी हाँ, देखिए इसका जो इंडिकेटर सेटअप है ये पॉजिटिव है, एक शार्प अपटिक यू नो इसमें देखने मिल रहा है। हालांकि जो इसके रीसेंट हाईस थे वहां से एक हमने यू नो फॉल आते हुए देखा, बट स्टॉक ने फिर से अपना ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो इसके जो यू नो इमीडिएट हाईस थे विच इज अराउंड यू नो 210 के जो जोन थे, यहां तक के लिए यू नो आप बाय कर सकते हैं। आज के जो करीब लोज बने हैं विच इज अराउंड 195, इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना के यू नो लॉन्ग पोजिशन इनिशिएट कर सकते हैं इन डेल्टा कॉर्प। सो क्लियरली आपको फाइनेंस काउंटर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, बैंकिंग काउंटर्स अच्छे दिख रहे हैं इस वक्त, और रिजल्ट इम्पैक्ट जहां जाए वहां पर आपको स्ट्रांग पोजीशन दिख रही है। इनफैक्ट अब कोटक बैंक भी आपको 0.5% की तेजी के साथ दिखाई दे रहा है, यहां भी शॉर्ट्स तेजी से कवर है। लार्ज कैप बैंक्स में आपको क्या दिख रहा है, आपके रडार पे कोई आ रहा है संतोष? बैंकिंग स्टॉक से बात करें तो पीएसयू स्टॉक्स में ही अच्छा मोमेंटम है और आईसीआईसीआई बैंक मुझे दो पसंद है। तो अगर मार्केट ब्रेकआउट आता है बैंक निफ्टी में 38,200 का तो मेरी नजर एसबीआई पर होगी, क्योंकि यहाँ एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल का जो लो लगाया 525 का वो स्टॉप लॉस रहेगा, अगर मोमेंटम बनता है तो ऊपर में 575 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वापस से मोमेंट्स नाउ रह गए एसबीआई, आपको मैं दिखाना चाहूंगा एक बात, एक साल का एसबीआई लेके आइए। कुछ आपको याद है एसबीआई जो है एक बार 610 612 एक बार जाके आ चुका है, जब पहले एक दो रिजल्ट्स बहुत ही ये देखिए, इस समय वापस से एसबीआई ये 52 वीक्स का दो साल का लेके आइए। मुझे याद है एसबीआई 600 के करीब पहुंच गया था और फिर वहां से घूमा, हमें मालूम है लास्ट 4-5 क्वार्टर में लगातार अच्छे रिजल्ट आते गए, बट ये अपनी रेंज जो है ना 550-600 वाली वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एसबीआई भी आरबीआई पॉलिसी के दिन इंपॉर्टेंट है मॉनिटरेबल, क्योंकि ये चॉइसेस ऑफ द स्टॉक है। जैसे बैंक निफ्टी है वो कमेंट्री अगर वाकई में हॉकिश से नॉर्मलाइज होती है तो खेलने के लिए, ये देखिए ये जो लेवल आप देख रहे हैं ये पहले भी ये 550-600 वाला जो लेवल है ये इसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्रॉस करना। अब ये पॉलिसी जो आई है इस बार वो एसबीआई के रिजल्ट के जस्ट पहले है, ये कुछ लगता है इस बार क्रॉस करेगा और आगे की छलांग लगाएगा, इसने भी काफी पेशेंस टेस्ट करवा दिया 550-600 के नीचे। बिल्कुल अजय, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि यू नो इस बार ये 550-560 के जो जोन्स हैं इनको कन्विंसिंगली क्रॉस कर देगा। एक दो कारण है उसके, पहला ये कि पीएसयू का जो मोमेंटम है, देखिए हम यू नो फंडामेंटल एनालिस्ट से बात करेंगे तो बता ही देंगे कि यू नो ओवरऑल सेटअप तो इनका पॉजिटिव है ही, स्ट्रॉन्ग है ही इनकी बैलेंस शीट्स, बट ओवरऑल टेक्निकल सेटअप भी देखें तो पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिला है। और अगर आप फंड मैनेजर से बात करें तो तीन ही नाम यू नो आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक एंड एसबीआई, तो ये डेफिनेटली यू नो एक पॉजिटिव मोमेंटम है बैंक्स में, ओवरऑल हम एक अच्छा सेटअप देख रहे हैं। और एक पैरेलल अगर मैं ड्रॉ करूं विद समथिंग लाइक यू नो टाटा मोटर्स, बहुत अच्छा रन अप आने के बाद जरा सा साइडवेज मूवमेंट हुआ था, स्लगिश हुआ था, बट दैट डज नॉट मीन दैट द पार्टी इज ओवर। एसबीआई मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में 550-560 के जोन्स ऑन अ ट्रेडिंग बेसिस दिखा सकता है। 600 के टारगेट्स भी मैं यू नो फॉर दिस ईयर रूल आउट नहीं करूंगा। यहां अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से पोजीशन बनाते हैं तो 530 के जो लेवल्स हैं उनको अपना स्टॉप लॉस बना के चलिए फॉर अ टारगेट ऑफ 550 एंड द सेकंड टारगेट ऑफ 560। चलिए आगे बढ़े, क्रेडिट पॉलिसी का दिन है, हमारा स्पेशल पैनल हमारे साथ जुड़ना शुरू हो गया है। गरिमा कपूर इलारा कैपिटल और नीरज दीवान हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, दिग्गज इन्वेस्टर, बहुत पॉलिसीज, बहुत उतार चढ़ाव सब उन्होंने देखे हैं। इनफैक्ट आइए हम नीरज के साथ ही अपनी बातचीत शुरू करते हैं। नीरज, आज बाजार आरबीआई पॉलिसी के रेट हाइक के डिसीजन के बियॉन्ड उनकी कमेंट्री से क्या दिखेगा? मैं अभी किसी से बात कर रहा था, निकुंज से बात कर रहा था मैं आज सुबह, और हमारी ये बात हुई कि आरबीआई गवर्नर साहब का आज, मैंने तो बोला ही था मोमेंट है, क्योंकि वो बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन पिक आउट हो गया, शायद इस बारे में चर्चा होगी, शायद नॉर्मलाइज करें वो अपने स्टांस को, क्या लगता है आपको? गुड मॉर्निंग, या बिल्कुल, आई थिंक थोड़ा कमोडिटी ने भी काफी सपोर्ट किया है उनको, और ऑयल प्राइसेस भी आप देखें तो अभी एकदम 95 ब्रेंट के आसपास आ गया है, तो आई थिंक ये एक सपोर्ट मिलेगा उनको जहां वो आई थिंक बोल सकते हैं कि यू नो इन्फ्लेशन पीक हो गया और एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर आई थिंक मार्केट को उसकी उम्मीद बन रही है, जिस तरह का मार्केट का बिहेवियर है, आई थिंक एक उस तरह की उम्मीद बन रही है मार्केट में कि यू नो आज की जो हाइक है वो आई थिंक वो तो होगी बिकॉज तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा है, सारी कंट्रीज में, इंग्लैंड ने, यूएस ने, सब ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो ये एक हाइक तो होगा ही होगा। उसके बाद उनका क्या स्टांस होता है आई थिंक मार्केट वो बहुत कीनली वॉच करेगी। अगर वहां पे वो कुछ
इंडिकेशन देते हैं कि अब एक थोड़ा पॉज हो सकता है कि आगे हम देख के फिर बढ़ाएंगे, थोड़ा टोन में चेंज हो सकता है, तो आई थिंक वो एक चीज देखने वाली होगी। मैं आपको वो ग्राफिक भी दिखाऊंगा, हमने काफी बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स से बात की कि बाजार क्या दिखेगा, बुलेट पॉइंट्स लेके आते हैं हम आपके पास आरबीआई पॉलिसी कमेंट्री में। बट गरिमा कपूर भी हमारे साथ, गरिमा आपको भी नमस्कार, आपने तो पुराने सारे पॉलिसी इवेंट्स एनालाइज किए होंगे, कमेंट्री एनालाइज की होगी, आप क्या देखेंगे कमेंट्री में? थैंक यू। आज की कमेंट्री में आई थिंक एक इंडिकेशन की आरबीआई का टोन थोड़ा न्यूट्रल टू डविश हो रहा है, क्या उनको कंफर्ट आ रहा है क्या ग्लोबल एनवायरनमेंट से? बिकॉज जब से लास्ट पॉलिसी हुई है दो तीन चीजें हैव बीन सपोर्टिव। एक तो ग्लोबल स्लोडाउन फेयर्स हैव एग्रीवेटेड, सेकेंड ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैव करेक्टेड, एंड इंक्लूडिंग दैट ये सप्लाई चेन करेक्शंस भी हो रहे हैं, जिसके चलते आगे का एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस स्लोडाउन और कमोडिटी प्राइस सस्टेनिंग हो सकता है। तो मैं एक्चुअली देखूंगी कि उनका टोन क्या है, स्लाइट न्यूट्रल टू डविश। अगर वो कोई अपनी सीपीए एस्टिमेट्स में चेंजेस लाते हैं कि नहीं, 6.7% उनका प्रीवियस एस्टिमेट था एज ऑन जून, देर कुड बी सम डाउनसाइड बायस टू दैट, बट वेदर दे इंडिकेट डाउनसाइड बायस टू दैट इस पॉलिसी में और दे वेट इट आउट विल बी नथिंग टू वॉच आउट फॉर। अ थर्ड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, उनका लिक्विडिटी स्टैंड, बिकॉज पिछले एक डेढ़ महीने में सिस्टमिक लिक्विडिटी थोड़ी टाइट हुई है, जिसके चलते आपका कॉल मनी रेट रेपो रेट के काफी काफी दिनों तक रेपो रेट के ऊपर है, काफी क्लोजली हक किया है, तो सिस्टमिक लिक्विडिटी आपकी ड्यूरेबल 5 लाख करोड़ के नीचे आ गई, एक पॉइंट भी एक ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ के आसपास थी। तो आई थिंक ये तीन ब्रॉड चीजें हैं जिसको मैं क्लोजली फॉलो करूंगी आज के पॉलिसी में। गरिमा आपने बिल्कुल बताया कि इन्फ्लेशन पर तो ऑफकोर्स जिस तरह से थोड़े से यहाँ पर मॉडरेशन के साइन है, और सीपीआई के फिगर्स में भी आप एस्टिमेशन देखना चाहेंगी, हालांकि सीपीआई में प्राइस राइज और फूड और एनर्जी का तो नहीं आता, वो भी यहाँ पर बात करनी होगी, लेकिन क्या आपको लगता है एक्सटर्नल फैक्टर्स उन्हें भी जरूर आरबीआई गवर्नर माइंड में रखेगा, वहां से शायद थोड़ी सी कॉशियसनेस हो सकती है? ग्लोबल फैक्टर्स पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ द मूवमेंट ऑफ द डॉलर एक मस्ट हैव बीन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आरबीआई को, तो मुझे लगता है मोर देन ग्लोबल फैक्टर्स डोमेस्टिक पर्टिकुलरली अपना ट्रेड डेफिसिट नंबर जो बहुत स्टिकी आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई नंबर जो आए अपना जुलाई में, दैट कुड बी एक रीजन जिसके चलते यूएसडी आईएनआर पे प्रेशर रहेगा। लेकिन हमारा हाउस व्यू ये है कि ग्लोबली डॉलर इंडेक्स पीक आउट हो गया है, जिसके चलते प्रोबेबली एक्सटर्नल प्रेशर जो इंडियन करेंसी पर आ रहा था बिकॉज ऑफ one way rally in the dollar might have now eased down, and iske chalte abhi domestically agar aapke global commodity prices cool off hoke domestic prices pe unka asar hota hai with a lag, and wasteful expenditure pe continuous curve laga rehta hai agar incremental all measures aate hain, aur agar trade deficit uske chalte thoda correct ho jaye to rupee ko support milega, but mujhe lagta nahi ki given the global dynamics RBI itna zyada focus karega on the USD INR। नीरज आपके हिसाब से, आपके एस्टिमेशन से बाजार ने कितने हद तक, कितने बीपीएस पॉइंट्स हाइक की कि इस बात को ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया है? आई थिंक 35 बेसिस पॉइंट जो है वो एक बाजार ने फैक्टर इन कर लिया है। आई थिंक 50 बेसिस पॉइंट जो लोग कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ा सा बाजार की एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा, एक 35 बेसिस पॉइंट तो जरूर फैक्टर इन हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग के बाहर खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ ही देर बाद मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होगी, और जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कितनी रेपो रेट हाइक करते हैं। मैं कितनी रेपो रेट हाइक इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी रिस्पोंडेंट्स को हमने पोल किया है उन्होंने यही बोला है कि इस बार रेपो रेट हाइक होने वाला है, और वो क्वांटम कितना होगा वो देखने वाली बात होगी कि वो 30 बेसिस पॉइंट होता है, 50 बेसिस पॉइंट होता है, वो एक इंपॉर्टेंट थिंग होगी वॉच आउट करने के लिए। और साथ ही साथ ये भी देखना होगा क्या गवर्नर सरप्राइज करने वाले हैं कि क्या कोई रेट हाइक नहीं होगा, वो भी एक बोल्ड स्टेप हो सकती है, ये इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। साथ ही साथ सीआरआर हाइक को लेकर भी काफ़ी सवाल हैं कि क्योंकि पिछली बार सीआरआर हाइक नहीं हुआ था लेकिन उसकी पिछली पॉलिसी में सीआरआर हाइक दिया गया था, तो देखना ये होगा कि जब अब बैंक्स में क्रेडिट ग्रोथ शुरू हो गई है 14% के आसपास
क्रेडिट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है जो कि आरबीआई गवर्नर ने कुछ ही दिनों पहले बताया था, तो इस बेसिस पे क्या लिक्विडिटी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कोई सीआरआर हाइक नहीं होती है, या फिर जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी जो इंट्रोड्यूस हुई है उसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर प्रयोग करते हैं, क्योंकि इस पूरे साल जो इन्फ्लेशन है वो 6% के ऊपर रहा है और आरबीआई की जो मैंडेट है वो 4% प्लस माइनस 2% यानी कि 6% से ऊपर नहीं जाने देना है, तो देखना होगा कि क्या ग्रोथ में रिविजन होता है, क्या फिर इन्फ्लेशन का टारगेट जो 6.7% रखा गया है FY23 में उसमें कोई रिविजन होता है। राइट नीरज, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव्स की बात करें, डीएलएफ ने कल ही शाम को भी बताया वो अपने एक नए मॉल में कुछ और ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, रियल एस्टेट, ऑटोज और फाइनेंशियल्स, कहां पे आपको रिस्क रिवॉर्ड सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है? फाइनेंशियल इज वन प्लेस वेयर जहां पे क्रेडिट ग्रोथ शुरू हो गई है। आई थिंक एक जो रिस्क आज की पॉलिसी का जो सीआरआर की बात करी, अगर सीआरआर हाइक नहीं होता है जो मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए, आई थिंक वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है ऑन द शॉर्ट टर्म। आई थिंक अगर वो नहीं होता है तो फाइनेंशियल में आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छी है, हमने रिजल्ट भी देखे, अच्छे नतीजे आए हैं और इवन एसेट क्वालिटी भी बैंक्स की खराब नहीं हो रही है, हल्की सी इंप्रूव भी हो रही है। आई थिंक उसको चलते हुए एक फाइनेंशियल सेक्टर है जहाँ पे एक अच्छा स्कोप है। आई थिंक उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर है जहाँ पे अगर लिक्विडिटी टाइटनिंग नहीं होती है, ऑलरेडी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो गई सिस्टम में और अगर सीआरआर मेंटेन भी करते हैं तो लिक्विडिटी मेंटेन भी करते हैं तो आई थिंक हाउसिंग सेक्टर एक सेक्टर है जहाँ पे अच्छी ऑफटेक देखने को मिली है। हाउसिंग और रिलेटेड सेक्टर में हमने जैसे देखा, आपने पेंट्स का ही देखा कि अच्छे नतीजे आ रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि हाउसिंग एक्टिविटी अच्छी पिकअप हो रही है। आई थिंक ये सेक्टर पॉजिटिव रहने चाहिए अगर लिक्विडिटी यहाँ से टाइटन नहीं होती है और एक इंडिकेशन मिलती है कि कहीं एक स्टार्स न्यूट्रल होने हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग से या अब से थोड़ा सा न्यूट्रल की तरफ जा सकते हैं। पॉइंट गरिमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या जिस तरह से हमारी बॉन्ड यील्ड कूल ऑफ हुई, जो पीक हॉकिशनेस के लेवल में बॉन्ड यील्ड थी, वैसे यूएस बॉन्ड यील्ड भी 3.5 से कूल ऑफ होके ऑलमोस्ट 2.5 पे आ गई है, क्या वहां भी रेट हाइक साइकिल कहीं ना कहीं पॉज की तरफ नजर आ रहा है, एटलीस्ट बॉन्ड मार्केट वो मानने की तरफ जा रहा है? आज अभी लेटेस्ट जो पॉलिसी था फेडरल रिजर्व का, मार्केट ने एक दो पॉइंट बहुत ही स्ट्रांगली पकड़े। एक पॉइंट तो कि उन्होंने पोस्ट पॉलिसी कॉन्फ्रेंस में जब उनको पूछा गया कि क्वांटम ऑफ एक्सपेक्टेड रेट है कि आगे चलते, तो फेडरल रिजर्व गवर्नर ने बहुत स्ट्रांगली कहा कि इट देयर माइट बी सम नीड टू रिड्यूस और टू स्लो डाउन एट सम पॉइंट इन टाइम। एंड इस पॉलिसी में पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा रेफरेंसेस फॉर अ चेंज थे अबाउट वीकनिंग डेटा, पॉजिटिव डेटा के रेफरेंसेस भी थे बट वीक डेटा पॉइंट्स के भी रेफरेंसेस थे। तो मार्केट ने ये दो पॉइंट्स बहुत स्ट्रांगली पकड़े जिसके चलते एक्सपेक्टेशन थी इससे और कितने हाइक हो सकते हैं वो बेसिकली टेम्पर डाउन हो गए हैं। तो मार्केट्स अभी दो रेट हाइक और एक्सपेक्ट कर रहा है फेडरल रिजर्व से, द क्वांटम को भी 50, 25 और 50, 50। एंड फेड फंड्स फ्यूचर्स अगर आप देखें, यूरो डॉलर फ्यूचर्स, तो वो एक्चुअली प्राइसिंग कर रहे हैं अ रेट कट बाय अर्ली पार्ट ऑफ नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। तो इसके चलते जो ग्लोबल माहौल बना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर टाइटनिंग पर्टिकुलरली लेड बाय फेडरल रिजर्व, उसके चलते आपको ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स कूल ऑफ हुई है एंड जिसके चलते इंडिया पर भी सिंपैथेटिक इंपैक्ट पड़ा है। एंड ऑफ कोर्स द करेक्शन ऑफ ऑयल प्राइसेस हैज बीन अनदर रीजन क्यों इंडियन बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीमेंटली बहुत ज्यादा कूल ऑफ हुए हैं पिछले दो तीन दिनों में। राइट गरिमा, क्या ऐसा कोई एनालिसिस इस वक्त करना ठीक होगा कि कितने बेसिस पॉइंट हाइक यहां से आरबीआई करता है और उसके बेसिस पे हम ये एस्टिमेशन लगा पाए कि इन्फ्लेशन कब तक पीक आउट हो जाएगा, क्योंकि बात ऐसी भी आ रही है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट जो हालांकि एक्सपेक्टेशन कम है, 35 सबसे लोएस्ट एक पोल में जो निकल कर आ रहा है एक्सपर्ट्स का व्यू कि शायद इन्फ्लेशन पीक आउट होने के सिग्नल्स यहां से भी मिल सकते हैं, क्या किसी तरह की ऐसी एनालिसिस यहां पर अभी फिलहाल की जा सकती है? देखिए, हमारा इंटरनल एनालिसिस कहता है कि जो आपका अप्रैल का फिगर था 768, दैट वाज द वर्स्ट। इसके चलते अभी जो भी इन्फ्लेशन नंबर्स आएगा, हमने जुलाई के एस्टिमेट्स बस कल सुबह ही क्लोज किए हैं, मेरा नंबर इज हगिंग क्लोजली टू अ लेवल ऑफ 650 के नीचे भी आ सकता है। इसके जाते जैसी ट्रेजेक्ट्री चल रही है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस, जैसे हमने देखे सम सेक्टर्स में पर्टिकुलरली इन ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रिकल्स एज वेल एज डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, द प्राइसिंग पावर थोड़ी बहुत कम हो गई, ऑल्दो सर्विसेज सेक्टर में इंटैक्ट है बिकॉज इट्स कम विद अ लैग, ऐसी पॉसिबिलिटी फॉर ऑल ऑफ अस। आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू कन्वे माई वार्म ग्रीटिंग्स